गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, तो जैसे कि आप लोग ने देखा कि आज हम लोग टॉप 50 एमसीक्यूज देखेंगे। अब जितने भी हो जाए हमसे हम उतने देखेंगे, एंड आप लोग भी पहले कोशिश करना सॉल्व करने की, और मैंने भी कोशिश करी है कि मैं आप लोगों को अलग अलग जगह से ये एमसीक्यूज दूँ। मतलब इसमें आपके यूपीपीएससी के एमसीक्यू भी हैं, राजस्थान पीएससी के एमसीक्यूज भी हैं, कुछ यूजीसी नेट वाले एमसीक्यूज भी हैं, और कुछ मुझे अलग अलग स्टेट के सेट वाले दिखे, कुछ पीजीटी वाले दिखे, जो भी मुझे लगा कि डाल देना चाहिए तो मैंने डाल दिए। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होंगी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर आल्सो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसमें भी आपको एमसीक्यूज वगैरह मिलेंगे। डेली क्विजेज भी आपकी होती हैं, वीकली आई मीन हर सैटरडे, तो वो भी आप देखते रहना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ बच्चों का मेरे पास क्वेरी आया था कि मैम एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करना है। तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ना स्टूडेंट्स, मैं आपको यही बोलूंगी कि आपका जो भी सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाए, आज की जो क्लास है उसमें ऐसा हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चंस, जैसे माइक्रो आपने नहीं पढ़ा अगर अब तक, रिवाइज नहीं करा है, या फिर लेक्चर्स नहीं देखे तो नहीं आ पाएगा, स्टैटिस्टिक्स नहीं के नहीं देखे तो नहीं आ पाएगा, विच इज फाइन, विच इज अंडरस्टूड। हमेशा हम लोग सारे लेक्चर्स में अप टू डेट रहें, बैकलॉग ना हो, ये बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है। आई थिंक बीइंग अ स्टूडेंट हम सबके बैकलॉग्स होते ही हैं, राइट? तो अगर आप लोग के भी कोई बैकलॉग्स हैं तो इट्स ओके, जितने हमसे बन पा रहे हैं उतने करेंगे, ठीक है? मैंने कोशिश करी कि मैं थोड़े हार्ड और थोड़े इजी क्वेश्चंस दोनों डालूं, क्योंकि जैसा हम सबको पता है कि जो एपी का पेपर होता है उसमें थोड़े से इजी क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये तो पहला वीडियो है, जो लोग भी यानी क्लास देखेंगे, तो मेरा कहने का मतलब ये है बस डिमोटिवेट मत हो जाना, ओके? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तो या वी कैन गो अहेड। चलो ओके, आई थिंक ये टेक्निकल एरर अब नहीं आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस। तो आप लोग 2 मिनट लो, एंड देन आई विल tell you the answers to the questions. आप लोग चैट में भी लिख सकते हो अगर आप लोग चाहो तो आंसर्स, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये हमारा, और मैंने नीचे जहां जहां मुझे सोर्स मिले ना, मैंने नीचे सोर्स डाल दिए कि ये पेपर कहाँ का है। तो व्हाट व्हिच इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ एचडीआई, तो एचडीआई का कौन सा एक फैक्टर डायमेंशन नहीं है? तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, और ये यूजीसी नेट 2023 शिफ्ट का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? एबिलिटी टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एबिलिटी टू अक्वायर नॉलेज, एबिलिटी टू अचीव डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एबिलिटी टू एक्सेस क्लीन एनवायरमेंट। तो आई थिंक ये तो बहुत ईजी है, इसका आंसर दिया है यहाँ पर, दिया है नॉट अ डायमेंशन, तो आंसर होगा डी, दैट इज एबिलिटी फॉर क्लीन एनवायरमेंट। हम लोगों ने पढ़ते टाइम देखा था, मैंने आपको बताया था कि पढ़ते टाइम जो हमारे एचडीआई इंडेक्स होती है, एचडीआई इंडेक्स के 3 डायमेंशंस होते हैं, और इसका मैंने आपको एक ट्रिक बनाया बताया था, पैदा पढ़ता पैसे कमाता, ठीक है? तो ये मैंने एक नॉर्मल निमोनिक बताया था कि कैसे हम लर्न कर सकते हैं। तो फर्स्ट था हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकेंड था हमारा एजुकेशन, थर्ड था हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है? तो यही 3 डायमेंशन होते हैं एचडीआई के, तो इसका हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, विच इज एक्सेस टू क्लीन एनवायरमेंट, एबिलिटी टू एक्सेस, ठीक है? एंड यहाँ पे मैंने जिन जिन चीजों के मुझे आप लोग के लिए एक्सप्लेनेशन मिले हैं मैंने वो डाल दिए, ठीक है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल ओवरहेड, सोशल ओवरहेड का क्या एग्जाम्पल्स होंगे? ये क्वेश्चन आया था यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के एग्जाम में। मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है ठीक है। सब्जेक्टिव टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें, सारे सब्जेक्ट्स कभी प्रिपेयर नहीं है, प्रीति कैसे करें? ठीक है प्रीति, डोंट वरी, अपन क्लास के बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है? अभी अपन एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, अपन क्लास के बाद एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे, ओके?
तो इसका आप बताओ मुझे आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल ओवरहेड। पहले तो हमें सोशल ओवरहेड का मतलब पता होना चाहिए। सोशल ओवरहेड मतलब बेसिक एमिनिटीज, ठीक है, बेसिक एमिनिटीज विच द गवर्नमेंट प्रोवाइड, जैसे रोड, रोड्स हो गए हमारे, हॉस्पिटल्स हो गए, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा सोशल ओवरहेड का? पावर, ट्रांसपोर्ट, स्कूल एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, स्कूल। ठीक है, वैसे तो देखने में यही लगेगा, किसने आंसर सी बोला है? गौरव और सुरक्षा ने बी बोला है। बी क्यों होगा? देखो अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन देखा था तो मुझे भी लगा था कि नहीं, ट्रांसपोर्ट स्कूल दोनों में कंफ्यूजन हो रही है, बट होलिस्टिकली अगर देखा जाए, जैसे एक होता है ना, दो ऑप्शन में से एक कुछ ज्यादा सटीक आंसर होता है, तो हम लोग स्कूल ज्यादा एग्जाम्पल में यूज करते हैं इन सोशल ओवरहेड्स। ट्रांसपोर्ट्स तो हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट दोनों प्रकार की सर्विसेज यानी दे देते हैं, दोनों लोग दे देते हैं। बट स्कूल्स ऐसा है कि स्कूल्स हमारे पास टेंजिबल गुड में है। ट्रांसपोर्ट में मुझे ये नहीं पता हम कौन से ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, थोड़ा ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, किस चीज की बात कर रहे हैं? सब कुछ गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती है, राइट? तो स्कूल्स थोड़ा ऐसा हो गया कि ज्यादा अच्छा साउंड हो सकता है, बट इसका मैंने आंसर की चेक किया था तो ये क्वेश्चन डिलीटेड था, ठीक है, क्योंकि बच्चों को बी और सी दोनों में डाउट था, तो इसके आपको ग्रेस मार्क्स मिल गए थे, ठीक है। तो अगर आप बी भी लिख कराओ या सी भी लिख कराओ, दोनों ही ऑप्शन सही है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन था एंड दोनों में ही आपको मार्क्स मिल गए थे, क्योंकि ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन था, क्योंकि स्कूल भी ऐसे होता है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों होते हैं, तो स्कूल भी गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, बट इसका सही आंसर आप बी और सी में से टिक करके आ सकते हो। तो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सेट के एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो चैलेंजेबल होते हैं, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे। सोशियोलॉजी का जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि उसमें 14 क्वेश्चंस चैलेंजेबल थे, मतलब 1/4 क्वेश्चंस। तो ये आप इस बात से थोड़ा निश्चिंत रहना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर डाला था, एग्जाम्पल ऑफ सोशल ओवरहेड्स आर रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक पार्क्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आंसर की में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग एडवोकेटेड फॉर द अडॉप्शन ऑफ वेज गुड मॉडल इन इंडिया? एग्जाम का सोर्स दिया है, तो वेज गुड मॉडल कौन से इकोनॉमिस्ट से रिलेटेड है? तो ये क्वेश्चन भी काफी रेपिटेटिव है, बहुत बार मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वकील एंड ब्रह्मानंद, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये हमको लर्न ही करना पड़ेगा। वेज गुड मॉडल वकील एंड ब्रह्मानंद ने दिया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका आंसर डाल के दे दिया। देन नेक्स्ट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज इंक्लूडेड इन, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहाँ पर इंक्लूडेड है? इसका सही आंसर होगा HDI, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने, अब ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, कौन पब्लिश करता है, किसने दी है, तो ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन डाला है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज डेवलप्ड इन HDR, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेबिलिटी रिग्रेशन बाय अमर्त्या सेन। इट वॉज डेवलप्ड बाय ऑक्सफर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इसको हम लोग UNDP भी बोलते हैं, इन कोलैबोरेशन विद, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मल्टी डायमेंशनल के क्लासिफिकेशन भी डाल दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा मुझे दिख गया था। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के 3 डायमेंशंस हैं, और 3 डायमेंशंस के साथ साथ हमने पढ़ा था इसके 10 इंडिकेटर्स हैं, तो आपको ये सब भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये PPT मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। आई थिंक आज की क्लास में पूरे 50 तो नहीं हो पाएंगे, तो हम ऐसा करते हैं, 25 आज या 25 कल कर लेंगे। तो ये जब पूरे हो जाएंगे तब मैं आपको इस PPT को भेज दूंगी, हिंदी में कन्वर्ट करके, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलो। द आइडिया ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इज एसोसिएटेड विद, ये बताओ। सुरक्षा, मैं वही कह रही हूँ कि मैं हिंदी लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करके भेज दूंगी। थोड़ा सा आज मेरे घर पे लाइट का इशू था, एक्चुअली 2-3 घंटे से पावर ही नहीं आई, तो मैं सिर्फ हिंदी में बना पाई और मैं कन्वर्ट नहीं कर पाई, जिसके लिए मैं लिटरली आपसे माफी मांगना चाहूंगी। वरना मेरा प्लान था मैं हिंदी में डाल दूँ, तो मैं कल की जो क्लास होगी इसमें ये सबको हिंदी में करके दे दूंगी। आज आप थोड़ा सा मैनेज कर लो, ठीक है। तो मैं हिंदी में बोलने की कोशिश कर देती हूँ जब तक,
तो हिंदी में द आइडिया ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इज एसोसिएटेड विद, मतलब ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एक कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था या किससे रिलेटेड है? तो ये बहुत ही सिंपल और फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये हमको दिया था शुम्पिटर ने। शुम्पिटर की थ्योरी में हम लोग क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ठीक है? तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शुम्पिटर इन 1940 और इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज जिसके कारण जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब शुम्पिटर ने बोला था कि हम लोग ऐसे वेव्स ऑफ इनोवेशंस नहीं डालते, वेव नंबर वन एंड वेव नंबर टू। तो ऐसे हमारी वेव्स ऑफ इनोवेशन होती हैं जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट अपने टेक्नोलॉजिकल स्किल्स और अपने इनोवेशन के रूप में मार्केट में लेकर आते हैं। तो अगर मार्केट में एक प्रोडक्ट चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टीवी चल रही है, ठीक है? अब मैंने उस टीवी के रिमोट में थोड़ा इनोवेशन कर दिया, मैंने उस टीवी के रिमोट में माउस सेंसर्स लगा दिया कि वो अब माउस की तरह भी आप काम कर सकते हो। तो ये सेम प्रोडक्ट में मैंने थोड़ा इनोवेशन किया, तो अब जो पुरानी टीवी है वो मार्केट से हट जाएगी एंड एवरीबडी विल बाय, सब लोग नई टीवी खरीदेंगे। तो इनोवेशन के कारण जो एक वेव डिस्ट्रॉय हुई है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, कि मैंने क्रिएटिवली डिस्ट्रक्शन किया, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट दिया था शुम्पिटर ने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है 2020। मैच द करेक्ट पेयर फ्रॉम लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। तो आपको इसमें पेयर करना है। अब मैं 2 मिनट दे रही हूँ, आप लोग सॉल्व करो। मैम हम ये क्लास रिकॉर्डेड नहीं देख सकते क्या? देख सकते हो, डेफिनेटली देख सकते हो। सारी क्लासेस आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड है, इसलिए आप लोग ये क्लास लाइव नहीं देख पा रहे हो, तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, ठीक है? कृपाली सोनू गौला लाइव नहीं देख पाए, देख सकते हो, देख सकते हो, ठीक है? बी ऑप्शन आ रहा है, चलो ठीक है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एवरीबडी वेरी नाइस, इन्होंने आंसर दिया था। किंग डिमांड कर्व स्वेजी से रिलेटेड है, सेल्स बॉमल से, सोशल वेलफेयर बर्गसन से, लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड्स। आई थिंक ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। आपको ये वाले कॉन्सेप्ट जो होंगे ये नेहा रघुवंशी मैम ने पढ़ाए होंगे या सिमरनजीत मैम ने पढ़ाए होंगे, ठीक है? ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के हमारे इकोनॉमिस्ट और एडम स्मिथ तो हम सबको पता है। चलो नेक्स्ट, अ फंक्शन मीन्स डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन आर मोर फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन। इसमें शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, मुझे लग रहा है, फिर भी हम देखते हैं क्या है। ये यूपी पीएससी पीसीएस का इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। इसको हम लोग, मुझे शायद ऑप्शन थोड़ा इंग्लिश के वाइस में गलत लग रहा है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि, अब मुझे भी नहीं पता ये तो कहाँ से है, क्वेश्चन ऐसे ही आया था एग्जाम में। तो रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम इसको ऐसे रिफ्रेम कर सकते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन क्या आंसर दिया आप लोगों ने, लेट मी सी। हाँ हो सकता है, रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट एंड मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रिलेशनशिप बिटवीन वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये हो सकता है। तो जो भी है आई थिंक यही होगा अपने हिसाब से। आप लोग आंसर बताओ मुझे, आपको क्या लग रहा है, फिर मैं आपको सही आंसर बताऊंगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? अ फंक्शन मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक फंक्शन को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, जैसे हम लोग नहीं लिखते कि क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है? अगर मैं ऐसे लिख दूं क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, टेस्ट, हैबिट्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एक्सेट्रा, ठीक है? तो ये हो गया मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि मेरा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिपेंडेंट है मेरे प्राइस पे। इस वाले केस में एक हो गया मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल और इतने सारे हो गए मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
तो इसको ही हम लोग बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। तो अ फंक्शन शोज अ फंक्शनल रिलेशनशिप एंड इसका आंसर है दिस। यहाँ पे मैंने इसका आंसर दे दिया, अ डिपेंडेंट वेरिएबल वन और मोर। यहाँ पर भी इंग्लिश गलत है, बट आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, आई थिंक उतना पुराना एग्जाम है इसलिए इंग्लिश गलत है, बट या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हैरिट-डॉमर क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रोथ इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। यूजीसी नेट में आया था 2023 में, ठीक है। तो हैरिट-डॉमर के क्लासिफिकेशन में ग्रोथ इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर आई थिंक इसमें मार्क्ड है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। मतलब हैरिट में हम लोग तीन प्रकार के ग्रोथ रेट्स पढ़ते हैं, आपको याद हो तो, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वॉलंटरी ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है। इसको हम लोग जी भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लो तीन प्रकार के कौन से हैं, नेचुरल, वॉलंटरी, पॉसिबल नहीं होता, पॉपुलेशन नहीं होता, डिजायर्ड नहीं होता। तो ऑप्शन हो गया ए एंड सी ओनली, विच इज दिस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, हैरिट-डॉमर ने। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की इन्वेस्टमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया था इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस में। रॉबिन्सन ने किसको बहुत इंपॉर्टेंस दी थी, रॉबिन्सन ने हमारे कैपिटल अक्यूमुलेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, ठीक है। हैरिट-डॉमर ने इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, ठीक है। तो डुअल कैरेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट बताया था उन्होंने, इन्वेस्टमेंट इनकम क्रिएट करता है, सेकंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज करता है। अब ये सब क्या है, ये सब मुझे जब मैंने आप लोग की हैरिट-डॉमर की क्लास लिया तो मैंने उसको डिटेल में एक्सप्लेन करा है। तो जिन लोगों को नहीं बनाए क्वेश्चन, पहले हैरिट-डॉमर की क्लास देख लेना, ठीक है। तो हैरिट-डॉमर बोला था कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इन्वेस्टमेंट का डुअल इम्पैक्ट होता है। डुअल इम्पैक्ट में पहला इम्पैक्ट होता है कि इन्वेस्टमेंट के कारण हमारी इनकम जनरेट होती है, ठीक है, इट क्रिएट्स द इनकम। और दूसरा इम्पैक्ट होता है कि इन्वेस्टमेंट के कारण के प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होती है इकोनॉमी की, ठीक है। मतलब कैपिटल और ज्यादा एफिशिएंट बनता है। इसको उसने बोला डिमांड इफेक्ट है, इसको उसने बोला सप्लाई इफेक्ट है। तो ये हमने बहुत अच्छे से हैरिट-डॉमर की क्लास में पढ़ा है, ठीक है। और ये तीन प्रकार के ग्रोथ रेट्स। चलो नेक्स्ट, द क्लासिकल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एम्फसाइजेस ऑन गिव्स। ये नहीं है कुछ, आई थिंक ये भी आरपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो द क्लासिकल मॉडल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एम्फसाइजेस ऑन व्हाट, लेट मी सी कोई आंसर्स आप लोगों ने दिए हैं कि नहीं। 9C, कृपाली, गौरव सी बोल रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो इजी क्वेश्चन था, आई थिंक इसका आंसर है सी। क्लासिकल मॉडल्स में भैया लेजी स्फीयर तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लेजी स्फीयर, अब यहाँ पे देखो जल्दबाजी में ये मत लिख कर आ जाना, क्योंकि हमको पता है नॉन इंटरफेरेंस भी होता है गवर्नमेंट का, इसको ही लेजी स्फीयर बोलते हैं। बट ऑप्शन सी में लेजी स्फीयर और कैपिटल एक्युमुलेशन दोनों है, ठीक है। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि सारे ऑप्शन, इस क्वेश्चन से समझ आता है कि सारे ऑप्शन देख कर ही हम वो OMR को फिल करें। कभी कभी हम एक्साइटमेंट में ऑप्शन ए भर कर आ जाएंगे एंड देन OMR के साथ गलती ये होती है कि अब एक बार तुमने भर दिया, अब इसको अंडू कर ही नहीं सकते, तो आता हुआ क्वेश्चन चला गया गलत, ठीक है। नेक्स्ट, हु डिटरमाइन द सेंट्रल रोल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगेन इजी क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ लेबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसने दी थी डिवीजन ऑफ लेबर को, तो दिस इज एडम स्मिथ, ठीक है। तो एडम स्मिथ ने डिवीजन ऑफ लेबर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, इसका मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ब्रीफिंग डाल दी है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर के कारण एडम स्मिथ ने बनाया था कि प्रोडक्टिविटी लेबर की इंक्रीज होती है, डेक्सटेरिटी इंक्रीज होती है, स्किल्स इंक्रीज होते हैं, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। वन सेकेंड, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजर इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस
ऐसा कौन सा स्टैटिस्टिकल मेजर है जो सारे ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होता है? स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, मुझे बताओ आप लोग को क्या लगता है। टेंथ का डी, प्रीति बोल रही है डी, कृपाली डी डी डी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हार्मोनिक मीन। आप लोग सही हो, हार्मोनिक मीन ही ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर है जो सारे ऑब्जर्वेशंस पे बेस होता है। इनफैक्ट अगर यहाँ पर इसके का अर्थमेटिक मीन भी आता ना, तो अर्थमेटिक मीन और ज्यादा सही आंसर होता, क्योंकि अर्थमेटिक मीन हमारे सारे ऑब्जर्वेशंस को लेता है। रेंज हमारे सिर्फ फर्स्ट और लास्ट को लेता है, हाईएस्ट और लोएस्ट को, मोड सबसे ज्यादा अकरिंग को लेता है, क्वार्टाइल डेविएशन तो अलग ही हो गया पूरा, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन इज द आंसर। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है जो हुआ था लास्ट टाइम और यूपी पीजीटी में रिपीट हुआ था 2021 में। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा आर, स्टैटिस्टिकल डेटा के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? तो आई थिंक इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। स्टैटिस्टिकल डेटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है, एग्रीगेट होता है फैक्ट्स का, कलेक्टेड बाय एस्टिमेशन होता है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, आंसर है डी। चलो हमें जो इजी क्वेश्चन है उस पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि आपको भी प्रोडक्टिविटी चाहिए मुझे पता है। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज बेस्ट टू शो द फैमिली एक्सपेंडिचर? कौन सा ऐसा डायग्राम है जो बेस्ट होता है अगर मुझे फैमिली एक्सपेंडिचर एक्सप्रेस करना है? तो आप लोग सोचो। लेट मी सी आप लोग क्या आंसर दे रहे हो। गौरव बोल रहे हैं डी डी 12th का, कृपाली बोल रही है ए, प्रीति बोल रही है ए, ठीक है, ओके। चलो पहला ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप लोग के गेसेस गलत आ रहे हैं, दोनों टीम्स ने ही अलग गेस करा है, ना इसका आंसर ए है ना इसका आंसर डी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्योंकि मैम हम इसको नहीं गेस कर पाए। तो ऐसा डायग्राम जो बेस्ट होता है फैमिली एक्सपेंडिचर को बताने के लिए, वो होता है हमारा सर्कुलर पाई डायग्राम, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखो, आंसर है आंसर नंबर बी। तो सर्कुलर पाई डायग्राम इज बेस्ट टू शो द फैमिली एक्सपेंडिचर। पाई चार्ट इज सर्कल डिवाइडेड इन टू सेक्टर्स हुज एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटीज दे रिप्रेजेंट, ठीक है। तो हम सबको पता है सर्कुलर पाई डायग्राम हमें 100% ऑफ डेटा बताता है, मतलब ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का जो सर्कल बना है ये 100% बताएगा। अब यहाँ पे इसने पूछा है कि फैमिली एक्सपेंडिचर दर्शाने के लिए अलग अलग फैमिलीज का कौन सा डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका आंसर इन लोगों ने दिया है सर्कुलर पाई डायग्राम, कि सर्कुलर पाई डायग्राम की मदद से ही हम लोग फैमिली एक्सपेंडिचर अच्छी तरीके से शो कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में भी डिस्क्रिपेंसी थी जैसे मैंने बताया, तो इस क्वेश्चन को भी बहुत ज्यादा चैलेंज करा गया था। इस क्वेश्चन के भी ग्रेस मार्क्स सब लोग को मिले थे, क्योंकि इस क्वेश्चन को जब आप सर्च करते हो तो उसमें भी बहुत सारे अलग अलग साइट्स पे अलग अलग आंसर आते हैं। इनफैक्ट मैंने भी सर्च किया था कि कौन सा डायग्राम बेस्ट होगा टू शो द फैमिली एक्सपेंडिचर, बट उसमें भी अलग अलग आंसर आ रहे थे। तो आई थिंक ये आंसर भी चैलेंज, अब मुझे 2021 का ये तो नहीं पता कि चैलेंज सच में उसमें एक्सेप्ट किया था कि नहीं, बट इस क्वेश्चन के मार्क्स मिल गए थे। ये डिलीट यानी जिन बच्चों ने भी अटेम्प्ट किया था उनको मार्क्स मिल गए थे। अब दो चीजें होती हैं, या तो तुमको उस क्वेश्चन के एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे या तो वो क्वेश्चन ही डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो हमें इतना इंट्रिकसीज में नहीं जाना, तो ऑफिशियल आंसर की में तो बी आंसर दिया था, ठीक है। और रीजन क्या हो सकता है आप भी सोच रहे हो कंफ्यूज। तो बेसिकली जो हमारा पाई चार्ट होता है ना, ये अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग चीजों में अलग अलग सेक्टर्स में हमारे डायग्राम को डिवाइड कर देता है। तो जब मैं फैमिली एक्सपेंडिचर की बात कर रही हूँ,
तो फैमिली एक्सपेंडिचर में एक लॉजिक जो मुझे समझ में आ रहा था व्हेन आई वाज सर्चिंग दिस, तो मुझे ये समझ आ रहा था कि फैमिली एक्सपेंडिचर में अलग अलग सेक्टर्स है जिसमें मैं खर्चा कर रही हूँ, ठीक है। जैसे मैं कुछ खर्चा करूंगी स्कूल में, कुछ खर्चा करूंगी मैं हॉस्पिटल में, कुछ खर्चा करूंगी मैं फूड में, क्योंकि मैं एक चीज पे तो खर्चा कर नहीं रही। तो अगर मैं एक पाई चार्ट बना रही हूँ तो मैं बोल सकती हूँ उस पाई चार्ट में कि मैंने 50% किया है स्कूल में, 50 देन मैंने 20% किया है फूड पे, देन मैंने 20% किया है हॉस्पिटल में, देन मैंने 10-10% करा है अपने मिसलेनियस में, ठीक है। तो एक सर्कुलर पाई चार्ट जो है वो मेरी चीजों को अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग साइज में डिफरेंशिएट कर देता है, और ये इजी बनाता है कि मेरा फैमिली एक्सपेंडिचर देखकर एक मैं पाई चार्ट बता सकती हूँ कि फैमिली ए ने कितना खर्चा किया है, फैमिली बी ने कितना खर्चा करा है, ठीक है। अब आप अगर इसके ऑप्शन देखो तो बार डायग्राम कैसे बनता है, बार डायग्राम बनता है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर तो तुम दो ही वेरिएबल ले सकते हो, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैंने ले ली हमारे सपोज फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर, ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या लूंगी, ठीक है, या फिर मैंने अगर यहाँ पे एक्सपेंडिचर ले लिया फॉर एग्जाम्पल, चलो यहाँ पे मैं ले सकती हूँ फूड, ठीक है, बट ये गलत डायग्राम बन जाएगा क्योंकि ऊपर मुझे अपना एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ले लिया फूड, तो ये तो मुझे अलग अलग फैमिलीज का सिर्फ फूड पे एक्सपेंडिचर बता रहा है कि फैमिली ए ने कितना करा है, फैमिली बी ने कितना करा है, फैमिली सी ने कितना करा है, दूसरी चीज से कहा है, तो इसका रीजन ये डले थे, बट ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्प्यूटेबल था, ठीक है। रेक्टेंगुलर डायग्राम तो कुछ होता ही नहीं है। देन हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम आपको पता होना चाहिए, हिस्टोग्राम ऐसा डायग्राम बनता है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसीज हमें बताता है, तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट हो गया। तो अगर मैं एलिमिनेशन करूं तो हिस्टोग्राम और रेक्टेंगुलर पाई डायग्राम वो दोनों में सेम प्रकार की दिक्कतें आएंगी, तो दोनों में से ये तो हो ही नहीं सकता, ये कुछ होता ही नहीं है, तो आंसर बचा हमारा बी, ठीक है। तो मैंने इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करा था, ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ये भी इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी। हम लोगों ने बहुत अच्छे से सैम्पलिंग पढ़ी है, आई थिंक वो क्लास भी काफी अच्छी है। जिन लोगों को सैम्पलिंग के बारे में कुछ भी नहीं आता वो क्लास जरूर देखना, क्योंकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। तो अलग अलग प्रकार की सैम्पलिंग होती है, विच इज सैम्पलिंग, दो प्रकार की सैम्पलिंग होती है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम लोग रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब सारे वेरिएबल्स में सिलेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा इक्वल हो, नॉन प्रोबेबिलिटी में सारे वेरिएबल्स के सिलेक्ट होने के चांसेस बायस्ड हो या अनइक्वल हो, ठीक है। तो ये जो है हमारा सिस्टमैटिक, सीक्वेंस, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड एक्सेट्रा, क्लस्टर, यू नो, देन मल्टी लेवल एक्सेट्रा, ये सब आती है हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने पढ़ा था कोटा, ठीक है, हमने पढ़ा था स्नोबॉल, ठीक है, कोटा पढ़ा था, स्नोबॉल पढ़ा था, जजमेंट, पर्पसिव, कन्वीनियंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था बी। लेट मी सी किसी ने आंसर करा है कि नहीं। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, 1 घंटे की क्लास करेंगे हम। ये मैंने यहाँ पे जिसको नहीं आता है एक बार रीड कर लेना। विच अमंग द फॉलोइंग कर्व्स विल बी अ सिमेट्रिकल कर्व, इनमें से कौन सा कर्व सिमेट्रिकल होगा, नॉर्मल, पॉइजन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ऑल ऑफ दीज। ये यूपीपीएससी जीडीसी का क्वेश्चन है। बताओ, गेस करो। ए, फ्रीक्वेंसी
प्रीति कह रही है ए, कृपाली कह रही है ए, सुरक्षा कह रही है बी, चलो तो इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, विच इज अ नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व हमारा बेल शेप्ड बनता है और ये इसको हम लोग बोलते हैं कि ये सिमेट्रिकल होता है, कि अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप ओवरलैप करवाओगे तो दोनों सेम रहेंगे। बट जो पॉइजन कर्व है स्टूडेंट्स, पॉइजन कर्व का जो शेप है वो सिमेट्रिकल नहीं बनता, ठीक है। पॉइजन कर्व का शेप ऐसे बनते हैं, अलग अलग पॉइजन कर्व के शेप्स अलग अलग तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो वी कैन नॉट से कि पॉइजन कर्व इज सिमेट्रिकल। यहाँ पे मैंने इसके लिए आप लोग को एक एक्सप्लेनेशन भी दिया है थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के पास। दूसरे डिफरेंस ये रहता है कि जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रहता है ये हमारे कंटिन्यूस सीरीज पे बेस्ड रहता है, जो हमारा पॉइजन कर्व रहता है ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज पे बेस्ड रहता है, ठीक है। ये मैंने आपको जब नॉर्मल पॉइजन एंड ऑल ऑफ दैट बताया था तो मैंने आपको उसमें समझाया है, तो आप वो वाली वीडियो एक बार देख लेना। ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पे रहता है, ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पे रहता है, ठीक है। चल यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूलेज डाल दिए हैं कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड इक्वल होता है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है हमारा, वेर इज दिस इज मीन, दिस इज मीडियन एंड दिस जेड इज मोड, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इसी का ये दूसरा फॉर्मूला है विच इज Q3 - M इज इक्वल्स टू M - Q1। तो ये क्या है, ये अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, तो आप वो वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सारे इसमें फॉर्मूलेज मिलेंगे। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सारे फॉर्मूलेज एक पेपर पे लिख लेना और उसको लर्न कर लेना अगर याद नहीं हो तो, क्योंकि उसमें से बहुत क्वेश्चंस फंसते हैं, यू नो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज है, कुछ क्वार्टाइल डेविएशन वाले फॉर्मूला भी है, ये मीडियन वाला फॉर्मूला है, एम को हम लोग बोलते हैं मीडियन, तो कहीं कहीं आपको ऐसा दिखेगा Q3 - Q2 इज इक्वल्स टू Q2 - Q1, ठीक है। तो ये और ये सेम ही चीज है, Q3 - Q2 इज इक्वल्स टू Q2 - Q1, जहाँ पे हम लोग Q2 को बोलते हैं मीडियन और मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एम से, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा दे दिया Q3 + Q1 इज इक्वल्स टू 2Q2, ये भी वही चीज है। एक चीज को लिखने का तरीके बहुत अलग होता है, एंड ट्रस्ट मी मैंने ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये लोग यही करते हैं, क्योंकि टिपिकल फॉर्मूला तो सब लर्न कर कर आएंगे बट थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया तो बच्चे घूम जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मल पॉइजन और एक अपना बाइनोमियल था, इन तीनों को ऐसे एक शीट में डिवाइड कर देना, नॉर्मल पॉइजन बाइनोमियल और इन सबके यहाँ पे फीचर्स लिख लेना, ठीक है। तो एक शीट में आपका बहुत हद तक चांसेस है कि क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया है करेक्ट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मतलब फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बताओ मुझे आंसर क्या होगा, 15 का डी, कृपाली सिंह डी, ओके एनीबडी एल्स डी, ठीक है। चलो तो ऑल ऑफ यू आर राइट, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का बस फॉर्मूला पूछ रहे हैं तो हमको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, कंफ्यूज नहीं होना है हमको बिल्कुल। यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन डाला है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज एक्सप्रेस बाय दिस, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताता क्या है, या मैं बताता है वेरिएबिलिटी, डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इन रिलेशन टू पॉपुलेशन, कि मेरे पॉपुलेशन में कितनी वेरिएबिलिटी है, मतलब कितना चेंज हो रहा है मेरा पॉपुलेशन। तो अगर रो वेरिएबिलिटी हो द लो कोएफिशिएंट हो तो मतलब लो वेरिएबिलिटी है, हाई कोएफिशिएंट है तो हाई वेरिएबिलिटी आएगी, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे लिख दिया मैंने। अच्छा इस क्वेश्चन में इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम लोग परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करा है इनटू 100 में, वरना ये भी ठीक है बट फॉर्मूला ये होता है हमारा, ठीक है। ओरिजिनल जो फॉर्मूला मैंने आप लोग को लिखवाया है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया था हमारा यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में। ये क्वेश्चन में शायद 2 मिनट 2-5 मिनट लग सकते हैं,
तो आप लोग 2-5 मिनट ले लो एंड देन मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है. प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से एक आध क्वेश्चन आना मतलब मुझे लगता है पॉसिबल है. कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का? लेट मी सी, किसी का आंसर आया है क्या? 16th का आंसर आ रहा है बी. मुझे मिला है कृपाली का आंसर और सुरक्षा का आंसर. बाकी लोग कहाँ हैं भाई? प्रीति, प्रीति, दोनों प्रीति, गौरव. सॉल्व करके देखो, गलत होता है कोई दिक्कत नहीं है. सोनू, अच्छा एक बार आंसर चेक करो क्योंकि इसमें आंसर बी नहीं है, कृपाली एंड सुरक्षा. आप लोग भी चेक करो, मैं भी एक बार चेक. ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है. कृपाली एंड सुरक्षा तो मैंने भी आप लोग के लिए सॉल्व करा क्योंकि मुझे लगा आप लोग आंसर्स दे रहे हो तो आई शुड बी वेरी राइट. ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3. अब मैं आपको बताती हूँ कैसे. अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा प्रैक्टिस से आता है. ठीक है, और मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी आप लोग को बीइंग योर टीचर. अगर आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं आते हैं या आपको डर लगता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, ठीक है, मुझे भी पता है क्या डर होता है, तो प्लीज़ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना. प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन छोड़ देना, क्योंकि हो गया तो हो गया, बट नहीं हुआ ना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है. और आप लोग को पता है आप जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसमें माइनस मार्किंग है. ठीक है, तो छोड़ने की भी मार्किंग है ऑल्दो कि सारे में से एक ऑप्शन छोड़ दें, बट देन टाइम वेस्ट मत करना. कहने का मतलब ये, आगे बढ़ जाना और फिर बाद में घूम कर आना. ठीक है, तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा. तो इसमें ये बोल रहे हैं कि एक बैग है और उस बैग में
अलग अलग प्रकार की बॉल्स हैं, ठीक है। तो इसमें चार प्रकार की ब्लैक बॉल्स हैं और पांच प्रकार की रेड बॉल्स हैं। टोटल बॉल्स कितनी हो गई हमारी? टोटल बॉल्स हो गई हमारी 9, ठीक है। देन उन्होंने बोला थ्री बॉल्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, मतलब तीन बॉल्स को एक के बाद एक निकाल दिया आपने, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स विल बी ब्लैक? क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारी जो बॉल्स हैं वो ब्लैक निकल कर आई हैं? ठीक है, मैंने इसका सोल्यूशन डाला है क्या? मैंने यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस लिख देती हूँ जो मैंने यहाँ लिखा है, 4 ब्लैक एंड 5 रेड, 4 ब्लैक एंड 5 रेड। ठीक है, अब हमको पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या रहता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। बट इस क्वेश्चन में हम लोग इसको पीएनसी से सॉल्व करते हैं। पीएनसी से सॉल्व करने के पहले आप लोग को फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो वन सेकंड, तो एक बार मेरी प्रोबेबिलिटी वाली क्लास देखना, उसमें मैंने ये चीजें बताई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसने तीन बॉल्स निकाली उस बैग में से। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों की तीनों बॉल्स जो निकलेंगी वो होंगी रेड? तो यहाँ पे चार ब्लैक, चारों तीनों की तीनों होंगी ब्लैक, ठीक है। तो अब यहाँ पे चार ब्लैक बॉल्स हैं और उसने तीन निकाली, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4C3, ठीक है, अपॉन, अब उसने टोटल 9 है, ये हो गए मेरे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, कि तीन में से उसने चार बॉल्स निकाली, इतना ही वो निकाल सकता है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इतना है, तो टोटल बॉल्स मेरी कितनी है? 9, 9 में से उसने निकाली 3, ठीक है। तो जितने निकालते हैं हम, वो हमारा आता है नीचे लिखना। इसको हम लोग पीएनसीज बोलते हैं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के रूप में इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो तीन में से उसने चार निकाली, ठीक है, यानी सॉरी, चार में से उसने तीन निकाली और टोटल 9 में से उसने तीन निकाली। तो जो भी निकाला है उसको नीचे डाल दो। तो इसको अभी के लिए आप ऐसे समझ लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अगर मैं 4C3 लिख रही हूँ तो इसका फॉर्मूला होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल्स हम लोग बोलते हैं। तो ये हो गया मेरा 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और जूम क्यों हो गया? जूम नहीं चाहिए मुझको। वन फैक्टोरियल, वन सेकेंड, ये जूम हो रहा है अपने आप। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/21। तो मुझे चैट देखने दो, क्योंकि चैट पे होगा कुछ डाउट। तो किसने आंसर दिया था? लेट मी सी, सुरक्षा, एक सेकेंड, हाँ सुरक्षा और कृपाली, सुरक्षा और कृपाली, एक बार अपने आंसर चेक करो, आपने कुछ सॉल्विंग में तो मिस्टेक नहीं करी है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो मैं इसको सॉल्व करके बता दूँ। वैसे जिन बच्चों को नहीं आता उनको अभी नहीं समझ आएगा, बट ये हो गया हमारा 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 1 फैक्टोरियल, तो 1 ही होता है। फिर नीचे आ गया हमारा 9 फैक्टोरियल, फिर आ गया हमारा 3 फैक्टोरियल, और आ गया मेरा 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। इस चीज को मैं सॉल्व करूंगी तो 3 से 3 फैक्टोरियल हमारा कट गया, तो यहाँ पे आ गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, और फिर ये वाला जो 6 है ये मेरा ऊपर चला गया, ऐसा हम लोगों ने रूल पढ़ा है ना, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, इसको ऐसे खोलते हैं, देन ये हो जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल। अब इसको मैं नीचे काट दूंगी इसलिए मैं इसको पूरा नहीं लिख रही। तो ये हो गया 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 कट गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 3 से 3, 3 ज़ा 9, 4 1 से ये 2, 2 से 2 कट गया, तो ये बचा 1/7 × 3, विच मीन्स दैट 1/21, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा, यहाँ पे मैंने सॉल्व करके भी दिया है पूरा, तो इसका आंसर होगा हमारा सी, विच इज 1/21। ये क्वेश्चन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में।
ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बट जो बच्चों को नहीं आता भी छोड़ दो उसको। प्रीति और कृपाली, फॉर्मूला गलत लगा दिया था। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आई थिंक अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड यूज टू एस्टिमेट द लीनियर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, अब ये सॉल्व करो। कौन सा ऐसा मेथड है जो यूज होगा इन सॉल्विंग द लीनियर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इजी क्वेश्चन है बट घुमा के दिया है थोड़ा। याद है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में। ए ठीक है, और ए ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, ओ एल एस। ओ एल एस मेथड ही ऐसा मेथड है जो हम लोग को लीनियर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करता है। ओ एल एस का फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने डाल दिया, फैक्चुअल क्वेश्चन था। ये जो है डब्ल्यू एल एस, डब्ल्यू एल एस का फुल फॉर्म होता है वेटेड लीस्ट स्क्वायर। तो फुल फॉर्म एक बार याद रखना, यू नेवर नो, इजी क्वेश्चन आ जाए। कभी कभी हम टफ पढ़ने की जगह इजी, टफ पढ़ने के यू नो कारण इजी पढ़ना छोड़ ही देते हैं। तो डब्ल्यू एल एस मतलब वेटेड लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, एम एल ई या एम एल एम मैक्सिमम लाइकलीहुड मेथड एंड रिस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरीमा फॉर कास्टिंग मेथड हैज बीन डेवलप्ड बाय, याद है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में। अब आप देखो, आप लोग बोलोगे कि मैम अरमा अरीमा दो प्रकार के मॉडल्स होते हैं, अरमा एंड अरीमा। ठीक है, ये सब हम इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ते हैं, बट हमको ये इन डेप्थ हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना नहीं है। बट हमें इसके दो तीन चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि इस मॉडल के फुल फॉर्म क्या होते हैं, प्लस ये मॉडल्स किसने दिए हैं, बस दैट्स इट। इकोनोमेट्रिक्स में बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कभी भी आपको टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। इकोनोमेट्रिक्स में मार्क्स स्कोर करना सबसे ईजी है, क्योंकि आपने बहुत सारे पीवाईक्यूज कर लिए ना इधर उधर के, तो वही क्वेश्चन आते हैं। यू नो इतना ज्यादा कुछ टफ नहीं है, तो इसका आप ट्राई कर सकते हैं कोई, फिर मैं आंसर तो बताऊंगी। आज हम 25 तक करेंगे, ठीक है 25 कल। कृपाली सिंह डी, सिम्स एंड सार्जेंट बी शायद। ओके ओके, तुक्का लगा रहे हैं। ओके ट्रू ट्रू। ठीक है, तो अब मैं आपको आंसर बताती हूँ इसका, याद रखना अपने नोट्स में कहीं लिख लो, फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ए, एंजल एंड ग्रैंजर। तो एंजल एंड ग्रैंजर ऐसे दो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अरमा और अरीमा मॉडल्स दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। अच्छा ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गई, एंजल एंड ग्रैंजर ने कुछ और दिया है। बॉक्स एंड जेनकिंस, ओके ओके सॉरी, मैं भी कंफ्यूज हो गई। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्स एंड जेनकिंस। ठीक है, बॉक्स एंड जेनकिंस हमारे दो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अरीमा मॉडल डेवलप करा है। अब आपको मैं एक बार अरीमा का फुल फॉर्म बता देती हूँ। अरीमा का फुल फॉर्म होता है ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड। फुल फॉर्म लिख लो कहीं अपने नोट्स पे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत होता है कि अरीमा का फुल फॉर्म बताओ। तो अरीमा का फुल फॉर्म होता है ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है, ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज। और जो अरमा का होता है, अरमा का होता है ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज। तो ये दो चीजें आप लिख लो, यह है ए आर एम ए, यह है ए आर आई एम ए। ठीक है, अरमा एंड अरीमा मॉडल। इससे ज्यादा आपको इसमें याद करने की कोई भी नीड नहीं है, प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, इसको देख के डरना मत, कोई भी डरने की बात नहीं है। ठीक है चलो, बॉक्स एंड जेनकिंस ने दिया था। अच्छा, किसी का तुक्का सही गया था क्या? बी और डी, ग्रैंजर कैजुअलिटी। यार राइट राइट राइट, मुझे एकदम से क्लिक नहीं हो रहा था एंजल ग्रैंजर ने क्या दिया है, कॉजालिटी टेस्ट दिया, कुछ तो टेस्ट दिया था उन्होंने। तो अब प्रीति ने एक चीज बता दिया, तो आप वो भी नोट कर लो।
जो एंजल ग्रैंजर थे उन्होंने कॉजालिटी टेस्ट दिया था। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, चल आगे। ये बताओ, द अप्रोप्रिएट मेथड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन इज। ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन के इवैल्यूएशन के लिए कौन सा मेथड यूज करा जाता है? सी 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 राइट, एब्सोल्युटली राइट। मैं यहाँ पे बस इसके फुल फॉर्म लिख देती हूँ फॉर द स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता है। OLS का हम सबको पता है, ठीक है। टू एस एल एस का है, होता है टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, GLS का होता है जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर। तो लाइक आई सेड कि कभी कभी फुल फॉर्म्स भी हमसे पूछ लेते हैं वो लोग, तो हमको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, और ILS का क्या होता है? कोई ILS का फुल फॉर्म बता सकता है? एग्जैक्टली, इनडायरेक्टली स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है मैम? ये हमारे आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो एक वीडियो डाला है आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम का सिमरन मैम का, उन्होंने पढ़ाया है ये, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। ठीक है, ओवर आइडेंटिफाइड, अंडर आइडेंटिफाइड, एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड करके उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आप वो वीडियो देखोगे, आई थिंक 1 घंटे का वीडियो होगा, एंड उसमें आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे मैंने आंसर भी डाल दिया है। नेक्स्ट, लास्ट 2-3 क्वेश्चंस और। इफ डेटा ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द करेंट ईयर आर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, दिस इज नोन एज। अब ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं चाहती गलत हो। इंटीग्रेटेड लीस्ट स्क्वायर नहीं प्रीति, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर यही होता है। ऑप्शंस में इंटीग्रेटेड वो देके ही रखते हैं, क्योंकि सबसे पहले स्टूडेंट्स उसमें ही कंफ्यूज होते हैं। हाँ, जस्ट आइडेंटिफाइड, जिसको हम एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड भी बोलते हैं। तो अगेन मैंने कहा जिन बच्चों ने अभी नहीं देखा है वो देख लेना। ठीक है, चलो, 20th क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। सुरक्षा इज सेइंग सी। ठीक है, मुझे पता था इसमें कंफ्यूजन होगी, बट आंसर इज नॉट सी, आंसर इज बी, क्रॉस सेक्शनल डेटा। आप लोगों को ढोल की आवाज आ सकती है, तो प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि माता जी का सीजन स्टार्ट हो गया है। आप लोगों को भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी झांकियां निकल रही हैं लिटरली। 1 सेकेंड में तो गेट लगाया मैंने, बट हाँ, तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, विच इज क्रॉस सेक्शनल टिक। अब मैं आप लोग को एक ट्रिक बता देती हूँ, हमेशा याद रखना। पहले तो आंसर टिक कर लो। यहाँ पे दिया है GDP का डेटा हमने कलेक्ट करा है करंट ईयर के लिए फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है,
तो टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शन में फर्क ही ये रहता है कि टाइम सीरीज में हमारा डिफरेंट या फिर इक्वल टाइम होता है एंड वन कैटेगरी होती है, ठीक है। इसमें वन टाइम होता है एंड डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। याद रखना, टाइम सीरीज में हम लोग अलग अलग टाइम को लेते हैं इक्वल इंटरवल्स में। जैसे कि मैं देख रही हूँ टेम्परेचर ऑफ भोपाल, ठीक है, मैंने देखा टेम्परेचर ऑफ भोपाल। अब मैं 2010 में देखूंगी, 2011 में देखूंगी, 2012 में देखूंगी, एक्सेट्रा। अलग अलग टाइम में मैं अपने एक ही वेरिएबल को देख रही हूँ, विच इज टेम्परेचर, ठीक है। बट अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया कि आई एम सीइंग 2024 में, ठीक है, 2024 में न्यूयॉर्क में कितना टेम्परेचर है, यूएस में कितना टेम्परेचर है, यूके में कितना टेम्परेचर है, सैन फ्रांसिस्को में कितना टेम्परेचर है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो मैं अलग अलग सब्जेक्ट के टेम्परेचर्स एक ही टाइम पीरियड में देख रही हूँ। तो ये हो गया मेरा क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। अब यहाँ पर यही दिया है कि जीडीपी का डेटा कलेक्ट करा है करंट ईयर के लिए। अब करंट ईयर सपोज अपन देख लेते हैं, 2024 चल रहा है, तो 2024 में जीडीपी का डेटा कलेक्ट करा है अलग अलग कंट्रीज से, पाकिस्तान से, इंडिया से, चाइना से, यूएस से, यूके से, ठीक है। तो जब एक टाइम पीरियड हो और वेरिएबल्स अलग अलग हो, कैटेगरीज अलग अलग हो, समझ जाना दैट इज क्रॉस सेक्शनल। जब अलग अलग टाइम पीरियड हो बट वेरिएबल सिर्फ एक हो, तो समझ जाना ये है टाइम सीरीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल से, तो यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन डाला है। चलो नेक्स्ट, अ रैशनल कंज्यूमर एलोकेट्स हिज इनकम टू, रैशनल कंज्यूमर जो होता है वो अपनी इनकम एलोकेट करता है क्या करने के लिए, इसका आंसर मुझे दो। इजी क्वेश्चन है बहुत। जल्दी, फिर आप लोग भी आराम से कल के प्रिपरेशन करना, मैं भी करूंगी, क्योंकि रात की क्लास है ना, थक गए हो गए। बी बी बी, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो यू ऑल आर राइट कि एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। बट कौन सी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है, टोटल यूटिलिटी को, मार्जिनल यूटिलिटी नहीं। तो ये तो आप लोग एलिमिनेट कर दोगे, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। तो हमेशा याद रखना अपनी टोटल सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द फॉलोइंग पोर्शन ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व शोज, टोटल यूटिलिटी कर्व का फॉलिंग पोर्शन क्या बताता है। ये भी इजी क्वेश्चन है आई थिंक। वन प्रीति कह रही है, वन सुरक्षा कह रही है, फोर ओके। और लोग भाई कहाँ पर हैं, मुझे इंटरेक्टिव क्लास चाहिए। गौरव, सोनू, रविंदर, सो तो नहीं है। प्रीति कह रही है फोर। कृपाली, नहीं मैं रात को नहीं लेती, रात को मैं बहुत कम सेशंस लेती हूँ। मैं यूजुअली क्लासेस 5 बजे लेती हूँ, और कभी कभार जब इमरजेंसी हो तो 6 बजे। तो कल हमारी क्लास 2 दिन 6 बजे होगी, ठीक है। तो जो भी मैं क्लास लेती हूँ मैं नोटिस बोर्ड पे डाल देती हूँ, तो आप नोटिस बोर्ड चेक करते रहना, क्योंकि आई टीच इन अ यूनिवर्सिटी ऑल्सो, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उसके कारण कभी कभी यूनिवर्सिटी में आप लोगों को ही पता होगा फेस्ट आ जाते हैं या फिर कोई मीटिंग आ गई, उसके कारण थोड़ा सा टाइम डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो कोशिश मैं कर रही हूँ कि अब से मैं मॉर्निंग क्लासेस लूँ आप लोगों की, हफ्ते में 3 दिन। तो जो भी होगा नोटिस बोर्ड पर डाल देंगे, फाइन। चलो, फोर 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 आ रहा है, नेगेटिव मार्जिन यूटिलिटी। ओके, फोर फोर फोर, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं सारे, ये हमारे आरपीएससी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है।
ये मैंने आरपीएससी के पेपर से उठाए हैं आप लोगों के लिए। तो अब मुझे एक बात बताओ, द फॉलोइंग पोर्शन ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व, यहाँ पे हम लोगों ने दो प्रकार के ग्राफ पढ़े थे। अच्छा, जिसको क्वेश्चन नहीं बना, बेसिक्स याद करो अपने, बेसिक्स में हम लोग नहीं पढ़ते थे, एक रहता था हमारा टीयू का ग्राफ, एक रहता था हमारा एमयू का ग्राफ। ठीक है, जब यहाँ पे हमारा टीयू मैक्सिमम होता था तो हमारा जो एमयू होता था ये जीरो होता था। यहाँ तक टीयू बढ़ रहा है, यहाँ पे टीयू गिर रहा है, और यहाँ पे एमयू तो पूरा गिर ही रहा है। तो एमयू इज स्टार्टिंग से फॉलिंग, बिकम जीरो एंड देन बिकम्स नेगेटिव। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है द फॉलिंग पोर्शन ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व। अब टोटल यूटिलिटी कर्व का फॉलिंग पोर्शन होगा इस साइड। टोटल यूटिलिटी का फॉलिंग पोर्शन क्या होता है, व्हेन माय मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज बिकमिंग नेगेटिव। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4। ठीक है, जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो होने के लिए हमारा टीयू मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, और ये तो ऑप्शन होता ही नहीं है, ये तो ऑप्शन हमारा एलिमिनेट ही हो गया। ठीक है, तो जिन्होंने भी ऑप्शन 4 दिया है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इसको ऐसे इंटरप्रेट करा करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23, इजी क्वेश्चन अगेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज सेकेंड लॉ ऑफ गॉसन। गॉसन का सेकेंड लॉ कौन सा होता है? ये तो क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं चाहती आप लोग गलत करो। इट्स 4, या इट्स 4। बी, लॉ ऑफ इक्वी, बी बी बी, एब्सोल्युटली करेक्ट। और फर्स्ट लॉ क्या होता है जरा ये भी बताओ, सेकेंड तो चलो बता दिया, चैट पे बताओ फर्स्ट लॉ। लॉ ऑफ डिमांड होता है क्या? फर्स्ट लॉ बताओ मुझे क्या होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। फोर क्या उन बोल रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। ओके ओके ओके, लॉ ऑफ डीमे मुझे टाइप करोगे, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, लॉ ऑफ डिमांड नहीं होता है, कोई भी गॉसन का लॉ लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता है। फर्स्ट लॉ होता है हमारा लॉ ऑफ डीएमयू, विच इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, सेकंड होता है हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। ये भी हमारे आरपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल considers cases where unemployment is associated with balance of payment or deficit surplus. ये international economics question। अब जो questions आएंगे वो environment के आएंगे, international के आएंगे, micro macro के आएंगे थोड़े। ठीक है, unemployment is associated with BOP, deficit or surplus। इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन से कर सकते हो। 1 1 1, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो अब देखो कुछ बच्चे होंगे जिनको ये नहीं बनेगा और जो सोचेंगे छोड़ दे, बट पहले मैं उन लोग के लिए बताती हूँ करना क्या है। कभी भी पहले तो क्वेश्चन देख के जज कर लो। कभी कभार पता क्या होता है, कभी कभार हम क्वेश्चन देख के उसका थीम देख के जज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन का थीम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, मुझे पता है ये क्वेश्चन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आया है। अब सोलो, सोन और डोमर, ये मैंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा है, ये सब मैं पढ़ती हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, तो अगर इंटरनेशनल का क्वेश्चन है तो कुछ इंटरनेशनल से रिलेटेड ही इकोनॉमिस्ट आएगा, तो मैं आंसर मार्क कर सकती हूँ मुंडेल फ्लेमिंग। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा आप ये ट्रिक यूज करो, मैं आपको ऐसे छोटी मोटी ट्रिक्स दे रही हूँ जो कभी कभार काम कर जाती है, हमेशा नहीं। तो एक ट्रिक ये है, अगर कभी यूज नहीं करा है तो करके देखना। ठीक है, क्योंकि कोई एग्जाम ऐसा नहीं है कि मुझे 100 में से 100 क्वेश्चन आएंगे ही, हम सबको पता है, आपने भी बहुत तुक्के मारे हैं, मैंने भी बहुत तुक्के मारे हैं, बट एजुकेटेड गेस मारना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक तरीका ये है, जज कर लिया करो कि जो थीम है उससे रिलेटेड मैं इकोनॉमिस्ट मार्क कर देती हूँ। ये स्पेशली उन चीजों में बड़ा काम आता है जब आपसे पूछते हैं कि ये बुक या फिर ये थ्योरी किसने दी है। अब उसमें 3-4 नाम दे देंगे और हम थ्योरी को गेस करके, सब्जेक्ट को गेस करके देख लेंगे कि यार मैंने कार्ल मार्क्स का नाम ग्रोथ में बहुत ज्यादा सुना है, तो हो सकता है ग्रोथ से रिलेटेड कोई थ्योरी हो, एक्सेट्रा। ठीक है,
बट यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट और सरप्लस से रिलेटेड कौन सा मॉडल है, तो ये होता है हमारा मुंडल फ्लेमिंग मॉडल। मुंडल फ्लेमिंग मॉडल में हम लोग ये सब पढ़ते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कब अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, डेफिसिट और सरप्लस, बैलेंस ऑफ पेमेंट कब डेफिसिट और सरप्लस में है, कितना कैपिटल फंड आ रहा है, कितना कैपिटल फंड जा रहा है, ठीक है। तो जो मुंडल फ्लेमिंग मॉडल होता है ये हमारा इंटरैक्शन होता है बिटवीन गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट, ठीक है। तो ये मैंने तो नहीं पढ़ाया आप लोगों को, नेहा रघुवंशी मैम ने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। तो उनकी वीडियोज में जाकर कंटेंट सेक्शन में इंटरनेशनल में जाकर आप ये वीडियोज देख लेना, ठीक है। तो गुड्स मार्केट और मनी मार्केट के बीच का इंटरेक्शन होता है हमारा मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, जिसमें अलग अलग प्रकार के केसेस पढ़े होंगे आप लोगों ने, ठीक है। तो ये वही है। तो इसका आंसर और इसका थोड़ा डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है कि इट इज अ रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड बीओपी डेफिसिट एंड सरप्लस इन एन ओपन इकोनॉमी, ठीक है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ आईएसएलएम मॉडल टू इंक्लूड इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज, इनफ्लो और आउटफ्लो। आईएसएलएम और मुंडल फ्लेमिंग ये आपस में ना बहुत सेम सेम ही दिखते हैं। पहले हम लोग आईएसएलएम पढ़ते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं हमारे मैक्रो में और ये हम लोग पढ़ते हैं हमारे इंटरनेशनल में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि आईएसएलएम मॉडल का एक्सटेंशन है मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। लास्ट क्वेश्चन, चलो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आरपीएससी अगेन। दो मिनट में भी नहीं लगना चाहिए, इस क्वेश्चन को तो देखकर ही हो जाना चाहिए। 25 का सी कृपाली बोल रही है, ठीक है। एक दो लोग और मुझे बताओ। सी सी सी, ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब जिसने लॉजिकली सॉल्व करा है वेरी गुड, जिसने नहीं करा, जिसने देखकर बोला है दूसरों का, वेरी बैड, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, इनकम कंजम्पशन कर्व। इनकम कंजम्पशन कर्व मतलब इनकम के बढ़ने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड बढ़ रही है या फिर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड घट रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो प्रकार के गुड है मेरे पास, गुड एक्स और गुड वाई, ठीक है। गुड एक्स इनकम बढ़ने से बढ़ रहा है, पहले मैं इतना खरीद रही हूँ, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, 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 ठीक है। तो गुड जो एक्स है मेरा, उसमें इनकम बढ़ने से मेरा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स बढ़ रहा है, ठीक है। एक चीज हमने सॉर्ट कर ली। अब इसके बाद देखो गुड वाई के साथ क्या हो रहा है। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं वो बता दूँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना, देख के सॉल्व हो जाता है। पर जिनको डर लगता है, थोड़े डायग्राम रिलेटेड चीजें आ गई तो घबरा जाते हैं, उनके लिए बता रही हूँ। अब गुड वाई देखो, पहले मैंने गुड वाई खरीदा इतना, फिर मैंने खरीदा इतना, मैं अच्छे से बनाती हूँ थोड़ा, ठीक है। फिर मैंने खरीदा इतना, फिर मैंने खरीदा इतना, फिर मैंने खरीदा इतना, फिर मैं आ गई और नीचे, फिर मैं आ गई और नीचे, फिर मैं आ गई और नीचे, फिर मैं आ गई और नीचे। बेसिकली हो क्या रहा है कि गुड वाई के केस में इनकम बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड वाई घट रही है, ठीक है। इनकम बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड वाई घटती है, तो ये कौन से गुड्स कहलाते हैं, ये कहलाते हैं इन्फीरियर गुड्स। कि मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं क्वांटिटी डिमांडेड उसकी घटा दूंगा। इसका एग्जाम्पल है लो फैट मिल्क एंड हाई फैट मिल्क, ठीक है। मेरी इनकम बढ़, मैं लो फैट मिल्क कंज्यूम करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, मेरी इनकम बढ़ गई, तो अब मैं सोचूंगी कि मैं यार लो फैट मिल्क नहीं कंज्यूम कर रही, मैं हाई फैट मिल्क कंज्यूम कर रही हूँ। तो मेरी इनकम के बढ़ने के कारण मैं लो फैट मिल्क का कंजम्पशन कम कर देती हूँ, ठीक है। और यही यहाँ पर हो रहा है, इनकम बढ़ने के कारण लो फैट मिल्क का कंजम्पशन कम हो रहा है, तो ये होता है मेरे इन्फीरियर गुड्स का केस, ठीक है। तो यहाँ पे गुड वाई मैम दिख गया इन्फीरियर गुड और गुड एक्स मैम दिख गया नॉर्मल गुड। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इनकम बढ़ती है तो हम कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, तो वो होता है नॉर्मल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, गुड एक्स इज अ नॉर्मल गुड एंड गुड वाई इज एन इन्फीरियर गुड, तो ये मुझे मिल गया थ्री। यहाँ पर इसका उल्टा कर दिया है। तो आप लोग हमेशा ग्राफ पे ड्रॉ करके देख लिया करो कि इनकम बढ़ने से या कुछ भी बढ़ने से, एक पीसीसी भी होता है, प्राइस कंजम्पशन कर्व, ठीक है, एक एंजल कर्व भी होता है। तो जो भी कर्व दिया है हमारे पास, प्राइस कंजप्शन कर्व में हम लोग प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, अरे यार वन सेकेंड, ये स्टाइलस मेरा, प्राइस
प्राइस कंजम्पशन कर्व में हम लोग किन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, प्राइस कंजम्पशन कर्व में हम लोग प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही इनकम कंजम्पशन कर्व में हम इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही एंजल कर्व होता है, एंजल कर्व में हम लोग इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड के देखते हैं, हाउस होल्ड की इनकम एंड हाउस होल्ड का एक गुड होता है कोई सा, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के कर्व्स हैं, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैम ने पढ़ाया होगा, उसके हिसाब से देखना। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन वन में एक्स इज एन इन्फीरियर गुड, ये तो गलत ही हो गया। वाई इज एन इन्फीरियर गुड, ये सही है, बट हमें एक्स और वाई दोनों के बारे में बताना है, तो जल्दबाजी में ये वाला ऑप्शन टिक करके मत आ जाना, ठीक है। हमें दोनों गुड का नेचर बताना है, एक्स का भी और वाई का भी, इसलिए द करेक्ट आंसर विल बी थ्री। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब जिन बच्चों को इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, देन हम लोग क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो ट्रिक ये है कि कभी भी इनकम कंजम्पशन कर्व, चलो मैं आईसीसी ही लिख देती हूँ, इनकम कंजम्पशन कर्व में हम लोग इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं, और इसमें हम लोग हमेशा इन्फीरियर गुड्स की बात करते हैं, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स आर रिलेटेड टू इनकम, ठीक है। प्राइस कंजम्पशन कर्व में हम लोग नॉर्मल गुड की बात करते हैं एंड गिफिन गुड की बात करते हैं। इन्फीरियर कंजम्पशन कर्व में हम लोग नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स की बात करते हैं, और प्राइस कंजम्पशन कर्व में हम लोग नॉर्मल और गिफिन गुड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो कभी भी यहाँ पे प्राइस कंजम्पशन कर्व आएगा ना ऑप्शन में, तो आपको या ग्राफ में, तो आपको ऑप्शन में देखना इन्फीरियर की जगह पर गिफिन लिखा होगा, ठीक है। कहीं भी इन्फीरियर नहीं लिखा होगा, क्योंकि इन्फीरियर का रिलेशनशिप हमेशा इनकम से होता है, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना। प्राइस कंजम्पशन कर्व में नॉर्मल और गिफिन गुड्स का पेयर बनता है, और इनकम कंजम्पशन कर्व में नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स का पेयर बनता है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल आपको मैंने चीज बताई। अब आगे भी मैंने 25 क्वेश्चंस और डाले हैं, तो आई थिंक वो क्वेश्चंस हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच इतनी देर तक बैठने के लिए, जो बच्चे मेरे साथ थे, थैंक यू सो मच। इट वाज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू ऑल। आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 6 PM। नोटिस बोर्ड में मैथ्स का डला होगा टॉपिक, कि कल से हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, बट क्योंकि हमारे MCQs अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो मैं कल अपने 25 खत्म करके परसों से ही मैथ स्टार्ट करूंगी। मैं अभी नोटिस बोर्ड अपडेट कर देती हूँ, ठीक है। चलो आई विल सी यू गाइस टुमारो, गुड नाइट। कोई डाउट हो तो, जिसको डाउट है वो रुक जाओ, मैं 2 मिनट रुक रही हूँ, एंड जिसको डाउट नहीं है दे कैन गो। एंड क्लास अगर आपको ठीक लगी MCQs, तो कुछ रिव्यू है अगर आपके कि मैम थोड़े और ईजी लाओ या थोड़े और टफ लाओ, तो वो भी आप मुझे बता देना, ठीक है। फीडबैक्स वट एवर यू वॉन्ट टू गिव। Okay, good night, everybody. ठीक, ओके ओके ओके, गुड नाइट। थैंक यू सो मच कृपाली, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। आपने सारे आंसर्स दिए, गुड, योर प्रिपरेशन इज गोइंग नाइस। सुरक्षा ने भी आंसर्स दिए। हाँ, प्रीति का डाउट, राइट राइट प्रीति। मैडम सब्जेक्टिव टेस्ट कैसे अटेंड करें मैडम? देखो सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए आप लोगों को एक हम लोग क्लास रख लेंगे। आप सिमरन मैम से भी रिक्वेस्ट नंबर जो दिया है वो उस पर आप एक डाल देना। अभी तक उनने हमको तो नहीं बोला है, बट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग एक सब्जेक्टिव आंसर्स कैसे अटेम्प्ट करना है इसकी एक क्लास रखने का सोच रहे हैं, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्टिव आंसर्स कैसे लिखना चाहिए। दूसरी बात, हम आपको सब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ही मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। हम आपको 8 questions देंगे, उन questions को आप अटेम्प्ट करना, एंड देन उन questions के मॉडल आंसर्स हम लोग देंगे, ठीक है। फिर आप उन दोनों को कंपेयर करना कि आपने जो लिखा है और जो हमने आपको आंसर्स प्रोवाइड करे हैं उसमें क्या फर्क आ रहा है, तो इससे आपको समझ आएगा कि क्या क्या हमारे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, हम कहाँ कहाँ इम्प्रूव हो सकते हैं, ठीक है। अभी ऑल आर सब्जेक्टिव नॉट प्रिपेयर्ड। सब्जेक्टिव देखो प्रीति, सब्जेक्टिव का एक ही तरीका है आंसर राइटिंग। बिना आंसर राइटिंग करे अगर एग्जाम में चले गए तो हो गया, कल्याण हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा, ऐसा मत करना। सब्जेक्टिव के लिए आप आंसर्स लिखना चालू करो। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, आप क्वेश्चंस या तो अपने मन से फॉर्म करो, या फिर क्वेश्चन आप दूसरे PYQ से देखो एंड आंसर लिखो बस, ठीक है। लिखने के बाद आप अपने जब आंसर्स को देखोगे, यानी ऐसा करो 1 महीने में 5-6 questions अलग अलग PYQ से अलग अलग सब्जेक्ट के अटेम्प्ट करो, वही चीज को 2 महीने बाद या 15-20 दिनों बाद वापस अटेम्प्ट करना, आपको दोनों में फर्क दिख जाएगा, पहली बार के लिखावट में और दूसरी बार के लिखावट में, ठीक है।
तो लिखना स्टार्ट करो, बाकी हम लोग आपको जब टेस्ट सीरीज आपकी जो चालू हो रही है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिस बुक मिलेगी एपी के लिए, उसमें हम आपको क्वेश्चंस प्लस मॉडल आंसर्स दोनों देंगे, ठीक है? तो लिखना इस सॉल्यूशन, और कोई भी चीज को अटेम्प्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन, उसकी बॉडी, उसमें कंक्लूजन, तीन चीज आपको लिखनी ही चाहिए प्रीति, ठीक है? अगर उसमें डायग्राम और फ्लो चार्ट बना पा रहे हो तो डायग्राम और फ्लो चार्ट भी बनाओ, ठीक है? मैंने क्या कहा, कहा मैंने कहा इंट्रोडक्शन, वन सेकेंड, मैंने कहा इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है, प्लस फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम। तो एक अच्छे आंसर में ये सारे पॉइंट्स होते हैं। जो बॉडी लिखते हो, बॉडी कभी पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखनी चाहिए, ज्यादा बॉडी को पॉइंट्स फॉर्म में लिखना चाहिए, ठीक है? एक छोटा सा 3 लाइन का इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा 3 लाइन का कंक्लूजन, ठीक है? ये किसी भी आंसर में बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई डायग्राम हो तो डायग्राम। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना थोड़ा, और आंसर लिखना चालू करना। और जब तक हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होंगी, कोशिश करना सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर हम आपको यूनिट वाइज टेस्ट देंगे कि जैसे माइक्रो का पहले दिया, फिर मैक्रो का दिया, तो जो भी सब्जेक्ट का टेस्ट है आपको स्केड्यूल पता ही है, तो वो सब्जेक्ट पूरा रिवाइज करके रखना, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना एंड देन आंसर्स देखना। तो सब्जेक्ट में मेहनत लगती है, ठीक है? अभी सब्जेक्टिव प्रिपेयर नहीं है तो आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, तो अभी समय है, अभी नहीं आ रही है सब्जेक्टिव, क्योंकि अभी हमारे एग्जाम की डेट ही नहीं आई है, एपी की डेट ही नहीं आई है, राइट? तो अभी तो समय, अभी आप पढ़ो बस, सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होंगी आपकी हो जाएगी, ठीक है? चल, ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द क्लास। आज हमारे एमसीक्यूज की सेकेंड क्लास है, तो जैसे कि आप लोगों ने कल अटेंड करा था, कल हमने 25 एमसीक्यूज देखे थे, आज हम बचे हुए 25 एमसीक्यूज देखेंगे एंड देन फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है? आई थिंक वी विल स्टार्ट इन 30 सेकेंड्स। ओके, तो लेट अस स्टार्ट अ क्लास। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे जो है, तो आई वुड वांट यू ऑल टू ट्राई दिस, एंड आज मैंने हिंदी इंग्लिश भी कर दिया है, सो फिर मैं आपको कराती हूँ ये सॉल्व। बाकी जब तक आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम आरपीएससी। ठीक है, आई एम गिविंग यू लाइक 1 मिनट।
ओके चल मैं सॉल्व करती हूँ फिर। देखो यहाँ पर बोला गया है कि इफ 4y माइनस 5x इज इक्वल्स टू 15 इज द रिग्रेशन लाइन y ऑन x। ये एक रिग्रेशन लाइन है y ऑन x। तो जैसे ही ये y ऑन x हमें पता चल गया, हम इसको y के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4y इज इक्वल्स टू 15 प्लस 5x, देन y इज इक्वल्स टू 15 बाय 4 प्लस 5 बाय 4 x। ठीक है, अब दिस इज रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। अब मुझे पता है अगर ये रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है तो आई कैन गेट माई रिग्रेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम दिस। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x क्या हो जाएगा, विल बी 5/4। ठीक है, जो हमारा स्लोप वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो मुझे मेरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिल गया y ऑन x, विच इज 5/4। अगर इसको मैं पॉइंट्स में लिखूँ तो हो जाएगा 1.25। ठीक है, इसके बाद मुझे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी दिया है बिटवीन एक्स एंड वाई, दैट इज 0.75। अब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं ना, तो मुझे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया है बिटवीन एक्स एंड वाई, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में एक्स और वाई, विच इज 0.75। ठीक है, दो चीजें मुझे दी है। अब मुझे बोला है फाइंड आउट करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई। तो मुझे फाइंड आउट करना है रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई का। ठीक है, तो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई वाई ऑन एक्स है, इसको मैं लिख सकती हूँ बी वाई एक्स इज इक्वल टू 1.25। एंड मुझे टू फाइंड करना है रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई, मतलब बी एक्स वाई मुझे फाइंड करना है। आई होप आप लोगों को याद हो कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट को हम लोग बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स से डिनोट करते हैं, और कोएफिशिएंट को कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन, अब एक फॉर्मूला है जो आपको मैं याद दिला देती हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है विच इज स्मॉल आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय बी वाई एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है वेर इन दीज आर माई रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स एंड दिस इज माई कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, अगर मैं इसी को ही थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, हमारे पास दो चीजों की वैल्यू है, दैट इज इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू ढूंढना है, तो बस दोनों की वैल्यू पुट कर दो एंड आपको ऑटोमेटिकली जो थर्ड वैल्यू है वो अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू हमने पीछे देखी, आर की वैल्यू थी 0.75 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई की वैल्यू क्या थी 1.25, और बी वाई एक्स तो हमको ढूंढना ही है। ठीक है, अब बस इसको आप सॉल्व कर दो कैलकुलेटर की मदद से। 0.75 को अगर आप कैलकुलेटर की मदद से खोलोगे तो ये आ जाएगा 0.5625 इज इक्वल्स टू 1.25 मल्टीप्लाइड बाय बी वाई एक्स। सो 0.5625 डिवाइडेड बाय 1.25 गिव्स मी बी वाई एक्स। ठीक है, इसको कैलकुलेटर की मदद से अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास बी वाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.45 एंड दैट इज वॉट इज द आंसर। ऑप्शन में देखो 0.45 इज ऑप्शन नंबर वन, दैट मीन्स माई रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई इज 0.45 0.45 एग्जैक्टली अंजलि, वेरी गुड। ट्वेंटी सिक्स का सी, ओके कृपाली देखो आपने क्या गलती करी है यहाँ पे, मैंने पूरा सॉल्व करा है। चलो नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका प्रिंटेड सोल्यूशन भी डाल दिया आप लोगों के लिए कि अगर आपको हैंड रिटन समझना है तो आप प्रिंटेड देख लेना हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, अगेन ये भी आरपीएससी के क्वेश्चंस हैं। अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस और फिर आपको ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको वो बताना है। ठीक है, तो बताओ मुझे 27 का क्या होगा। गुड इवनिंग एवरीवन। ट्वेंटी सेवन का आया किसी का आंसर? चलो मैं बताती हूँ फिर। अंजलि, आई एम न्यू इन द क्लास, आई हैव नॉट अटेंडेड एनी प्रीवियस लेक्चर, तो इसलिए लेक्चर्स कवर हो जाएंगे टिल एग्जाम डेट अराइज मैम। अंजलि, यस डेफिनेटली हो जाएंगे। देखो अभी आपकी एग्जाम डेट आई नहीं है, तो अभी हमारे पास थोड़ा एडवांटेज है। आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक स्केड्यूल बनाओ, अब आज से ज्यादा आप लेट मत करना, क्योंकि ऑलरेडी हमारी क्लासेस 2 महीने से चल रही है, मतलब हमारी क्लासेस सितंबर से चल रही है, तो सितंबर सॉरी अगस्त से, तो अगस्त सितंबर हो चुका है और अब अक्टूबर हो रहा है, तो आपका माइक्रो मैक्रो आई थिंक कंप्लीट हो चुका है, इंटरनेशनल आई थिंक हो चुका है, तो मैथ्स मैथमेटिकल इको और इंडियन इकोनॉमी बचा है मेरे साइड से। ठीक है, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप एक स्केड्यूल बनाओ आज बैठकर और डेज डिवाइड कर दो कि भाई मुझे इतने दिन में माइक्रो की वीडियोस देखनी है, इतने दिन में मैक्रो की देखनी है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप एक दिन में एक वीडियो देखोगे। ठीक है, तो वैसा मत करना, 10 दिन माइक्रो को दो, तो माइक्रो के पूरे लेक्चर्स देखना चालू करो सिस्टमेटिकली, कंटेंट सेक्शन में सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं। ठीक है, 3 एडुकेटर्स ने आप लोग को पढ़ाया है, जिसकी जो भी स्पेशलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग, तो मैंने, रेहा रघुवंशी मैम ने और सिमरनजीत मैम ने। ठीक है, तो ऐसे एक एक सब्जेक्ट उठाओ और वीडियोस देखना चालू करो। तो आई वुड सजेस्ट यू एक दिन में आपको एटलीस्ट सेल्फ स्टडी के 6 आवर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम अगर आप कॉलेज वगैरह जाते हो या जॉब वगैरह कर रहे हो, इसके अलावा आपको 6 घंटे देने ही हैं, क्योंकि एग्जाम डेट्स अब कभी भी आ जाएंगी। आई थिंक अक्टूबर तक नहीं आएंगी ये हमें श्योर है, बट उसके बाद कभी भी आ सकती है। ठीक है, तो दिस इज माई टिप फॉर यू। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर किसने दे दिया? अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में से कौन से ऑप्शन सही है, तो नीचे से देखना चालू करते हैं। क्या एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी होता है? नहीं, एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी होता है। ठीक है, एमपीसी इज कॉलिंग बट ग्रेटर देन एपीसी, अगेन नहीं, एमपीसी कभी एपीसी से ज्यादा नहीं होता है। रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज प्रोपोर्शनल, नहीं, रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम प्रोपोर्शनल नहीं होता। इस पॉइंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इस पॉइंट का मतलब ये रहता है कि कंजम्पशन एंड इनकम सेम रेट से बढ़ रही है। ठीक है, प्रोपोर्शनल मतलब अगर कंजम्पशन 10% पे बढ़ रहा है तो इनकम भी 10% से बढ़ेगी। ठीक है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप प्रोपोर्शनल है। बट फर्स्ट ऑप्शन है, रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन इनकम इज नॉन प्रोपोर्शनल, दिस इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस क्या बोलता है? एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस ये बोलता है कि व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस बट लेस देन प्रोपोर्शन। उसकी डेफिनेशन ही अगर आपको याद हो तो उस डेफिनेशन से ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हाइपोथेसिस जितने भी हैं इन सब की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस यही बोलता है कि रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज नॉन प्रपोर्शनल, एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, मतलब लेस देन प्रपोर्शनल। एंड देन यहाँ पे लिखा है कि एमपीसी डिक्रीजेस विद राइजिंग इनकम बट एवरेज प्रोविंसियल कंज्यूम रिमेन्स हायर, एपीसी हमेशा हाई ही रहता है। ठीक है, दिया किसने था? जॉन मेनार्ड कीन्स ने। यहाँ पर आप लोग एक चीज और याद रखना, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथिस जो है वो दिया था हमारे कीन्स ने। आपको सारे हाइपोथेसिस के प्रोपाउंडर का नाम याद रखना होगा। ठीक है, देन रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस किसने दिया था मुझे चैट पे बताओ, बिना गूगल करे।
सेकंड नहीं, सेकंड क्या बोल रहे हो अपन जी, आंसर दे रहे थे क्या? अच्छा सेकंड आंसर नहीं है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इट इज नॉन प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्योंकि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ता तो है बट लेस देन प्रोपोर्शन। अगर मेरी इनकम 10,000 से बड़ी है, 10,000 है और कंजम्पशन मेरा सपोज 2,000 है, ठीक है, अगर मेरी इनकम बढ़ के 15,000 हो गई तो कंजम्पशन मेरा 3,000 होगा, सेम रेट से नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे ये 5 से बढ़ा बट यहाँ पे ये सिर्फ 1 से बढ़ा, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ ऑफ देम इज नॉन प्रोपोर्शनल। ये चार्ट आप लोग याद रखना हमेशा। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस दिया था कीन्स ने, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस दिया था ड्यूजन बेरी ने, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस दिया था एंडो मॉड गिलानी ने, ठीक है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस दिया था फ्रीडमैन ने। तो इनके नाम याद रखना, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 128। बताओ बैंडवैगन इफेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, जल्दी जल्दी गाइस, हम लोग को 25 क्वेश्चन करने एक घंटे में, एक क्वेश्चन को 2 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते, दो भी बहुत है। ड्यूजनबेरी, मॉडिगिलानी, फिशर, वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंडवैगन इफेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ रैचेट और डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, एक का रैचेट है एक का डेमोन्स्ट्रेशन आया है, तो करेक्ट आंसर इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है, रैचेट इफेक्ट का एग्जाम्पल नहीं होगा। बहुत थिन लाइन है, बैंडवैगन इफेक्ट मतलब क्या होता है, बैंडवैगन इफेक्ट मतलब उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ना बिकॉज दूसरों के पास वो प्रोडक्ट है, मतलब मैं दूसरों को देख कर उस प्रोडक्ट की डिमांड कर रही हूँ। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एयरडोप्स, अभी एकदम से बीच में लहर आई थी, हर इंसान के पास वो वायरलेस एयरडोप्स थे, क्योंकि मेरे को देख के मेरी दोस्त ने लिया, मेरी दोस्त को देख के उसकी बहन ने लिया, उसकी बहन को देख के उसके भाई ने लिया, एक्सेट्रा, सब एक दूसरे को देखकर चीजें खरीद रहे थे। तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय बैंडवैगन इफेक्ट, और डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी वही कहलाता है, ठीक है। रैचेट इफेक्ट का मतलब ये होता है, रैचेट इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे रहने लगी, उसके बाद लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ रैचेट इफेक्ट। तो व्हेन माय इनकम इंक्रीजेस माय कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेस, बट व्हेन माय इनकम डिक्रीजेस माय कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डज नॉट डिक्रीज। व्हाई? बिकॉज आई एम यूज्ड टू ऑफ लिविंग इन द हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसको बोलते हैं हम लोग रैचेट इफेक्ट। तो ये सब हम लोग रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में पढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बैंडवैगन हमेशा डेमोन्स्ट्रेशन का इफेक्ट ये होता है। डेमोन्स्ट्रेशन का डी से याद रखना देखा दाखी, ठीक है, देखा दाखी करके जिस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। चलो नेक्स्ट, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है आप लोगों के लिए डेफिनेशन, ठीक है। बैंडवैगन इफेक्ट में, डेमोन्स्ट्रेशन में इंडिविजुअल्स मिमिक द कंजम्पशन पैटर्न्स ऑफ अदर्स, दूसरों के कंजम्पशन पैटर्न को हम लोग मिमिक करते हैं या फिर कॉपी करते हैं, ठीक है, सोशल सोसाइटी से और पीयर प्रेशर से इन्फ्लुएंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29th, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजम्पशन हाइपोथेसिस अज्यूम्स इररिवर्सिबल रिलेशनशिप और ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम ओवर टाइम। क्या होगा इसका बताओ? चलो, तो इसका आंसर है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, ठीक है। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट में ही हम ये पढ़ते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज इररिवर्सिबल, मतलब इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। हमारा करंट कंजम्पशन हमारी करंट इनकम से फंक्शनल है, हमारा नेक्स्ट कंजम्पशन हमारे नेक्स्ट इनकम से है, हमारे पास्ट कंजम्पशन से हमारे करंट कंजम्पशन का कोई भी लेना देना नहीं है। तो रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज इररिवर्सिबल एंड नॉन प्रोपोर्शनल। तो ये जो कीन्स ने स्टेटमेंट दिया था जब वो अपने
हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन कर रहे थे उसमें ही इनने बोला था, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसका एनालिसिस डाला है कि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस ये बताता है कि रिलेशनशिप इरिवर्सिबल होता है ओवर टाइम, मैं उसको रिवर्स नहीं कर सकती, मैं चेंज नहीं कर सकती उसको, ठीक है। इट सजेस्ट दैट एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस बट नॉट प्रपोर्शनेटली। तो याद रखना कौन सा हाइपोथेसिस इरिवर्सिबल एंड नॉन प्रपोर्शनल है, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस बाय कीन्स। चलो ये इजी क्वेश्चन है बहुत, विच ऑफ द फॉलोइंग is the most liquid and easiest for transaction, कौन सा फॉर्म सबसे ज्यादा लिक्विड है। चल तो दिस इज फोर्थ M1, ठीक है। M1, M2, M3, M4 हमारे एग्रीगेट्स होते हैं जिसमें हम लोग अलग 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 चीज़ों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल M1 इज द मोस्ट लिक्विड, इसमें पूरे करेंसीज रहती हैं। तो ये क्वेश्चन तो ईजी था, ठीक है। मोस्ट लिक्विड हमारे M1 होता है क्योंकि M1 में पूरा कैश रहता है। मोस्ट लिक्विड मतलब किसी एसेट की लिक्विडिटी कितनी है, तुम कितना ईजिली उसको कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पेपर गोल्ड, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, यानी इज नोन एज पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड किसको बोलते हैं, SDR, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। SDR को हम लोग बोलते हैं पेपर गोल्ड, ठीक है। अब SDR क्या होता है मैम, SDR का फुल फॉर्म है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ठीक है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एक इंटरनेशनल रिजर्व होता है विच इज क्रिएटेड बाय IMF। जैसे हर कंट्री के जो सेंट्रल बैंक के पास एक रिजर्व नहीं होता पैसों का, हम लोग पढ़ते हैं CLR, SLR, etc. वो सब क्या रहता है कि हमारे पैसे का, हमारे डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट हमको सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है और कुछ परसेंट हमें अपने पास रखना पड़ता है। ऐसे ही हमारी जो गवर्नमेंट है वो कंटिजेंसी फंड, पब्लिक रिजर्व फंड्स, फॉरन एक्सचेंज फंड्स, एक्सेट्रा, कंसोलिडेटेड फंड, ये सब बनाती है। ये सब क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं कि भाई मुसीबत के समय हम इस रिजर्व में से पैसे निकाल सकें। ऐसे ही IMF जो होता है, IMF भी एक रिजर्व बनाता है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स, ताकि मुसीबत के समय वो उस फंड में से पैसे निकाल कर अपनी मेंबर कंट्रीज को दे सके। IMF की मेंबर कंट्रीज हैं। अब SDR एक करेंसी नहीं है बट एक पोटेंशियल क्लेम है ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसीज। SDR कोई करेंसी नहीं है बट एक पोटेंशियल क्लेम है जो कि सिर्फ IMF की जो कंट्रीज मेंबर हैं वो ही यूज कर सकती है, ठीक है। अगर इंडिया IMF का मेंबर नहीं है तो इंडिया SDR का यूज नहीं कर सकता, SDR को क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे इतना SDR दे दो, ठीक है। तो SDR यूजुअली सिर्फ मेंबर्स के लिए होता है, used by IMF member countries to support their foreign exchange reserves. अगर मेरे foreign exchange में कुछ दिक्कत आ रही है कि हो सकता है इनफ्लो बहुत ज़्यादा कम हो, आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हो एंड मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत हो, तो मैं SDRs का यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। कंट्रीज कैन एक्सचेंज SDR फॉर हार्ड करेंसी, मैं हार्ड करेंसी देकर SDR ले सकती हूँ जब मेरे BOP में क्राइसिस होने लगते हैं और मुझे लिक्विडिटी चाहिए रहती है या फिर मुझे अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना पड़ता है। तो एक बार रीड कर लेना बस SDR क्या होता है और SDR के फीचर्स क्या है। फ्रीली एक्सचेंज हो सकते हैं, सिर्फ मेंबर के द्वारा एक्सचेंज हो सकते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रेस के टाइम या फिर किसी फंक्शन के टाइम, एंड वैल्यू ऑफ SDR इज रिकैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ 5 करेंसीज। तो SDR में एक SDR बास्केट होती है जो 5 बड़े नेशंस के करेंसी एक्सचेंज रेट के बेसिस पे बनती है, जैसे चाइना, US, UK, etc. 5 ऐसी बड़ी करेंसीज होती हैं, उन करेंसीज को हम इस बास्केट में डालते हैं, फिर एक एक्सचेंज रेट निकालते हैं और उस एक्सचेंज रेट से हमारा SDR की वैल्यू कैलकुलेट होती है, ठीक है। इसमें सारी करेंसी के एक्सचेंज रेट यूज करके SDR की वैल्यू निकलती, सिर्फ टॉप 5 करेंसीज को इस बास्केट में डालकर एक्सचेंज रेट की वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ IS कर्व इज वर्टिकल देन, ISLM का क्वेश्चन है। IS का फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स, LM का फुल फॉर्म होता है लिक्विडिटी ऑफ मनी, ठीक है। IS बताता है हमारा गुड मार्केट, LM बताता है हमारा मनी मार्केट। ISLM इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन गुड मार्केट एंड मनी मार्केट।
ये मुझे सोच के बताओ, मैं टाइम दे रही हूँ आप लोगों को। किसी का आंसर आया है क्या? अगर आईएएस वर्टिकल हुआ तो क्या होता है? फोर्थ फोर्थ फोर्थ, ठीक है, एग्जैक्टली इसका आंसर फोर्थ होना चाहिए। यहाँ पर शायद थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं वही चेक कर रही थी। यहाँ पे इसका आंसर सेकंड डला है, मॉनिटरी पॉलिसी इज मोस्ट इफेक्टिव, ये गलत है। ठीक है, तो ये मैं चेंज कर दूंगी, इसका आंसर होना चाहिए फोर्थ। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी इज मोस्ट इफेक्टिव। अब ये मैंने कैसे पता लगाया? अब देखो, वैसे तो आईएसएलएम बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपको शायद सिमरन मैम या नेहा रघुवंशी मैम ने पढ़ाया होगा, बट मैं आप लोग को कुछ एक चीट शीट बनवाती हूँ। मतलब मुझे नहीं पता आप लोग के पास कितना ये टेबल है, अगर टेबल नहीं है तो मैं आपको एक टेबल बनवाती हूँ, उस टेबल से आप लोगों को ये गेस करना बहुत ईजी हो जाएगा। जिसको भी आईएसएलएम समझ आता है वो तो वेरी गुड, जिसको नहीं आता और लगता है कि मैम ये बहुत कंफ्यूजिंग है, उसके लिए एक बस टेबल लर्न कर लो। ठीक है, टेबल क्या होती है आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्लोप ऑफ एलएम, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्लोप ऑफ आईएस, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ पे हम लोग लेते हैं फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, ये हमने पहले हेड्स डाल लिया। फिर स्लोप चार प्रकार की हो सकती है, या तो एलएम स्टीप होगा, या एलएम फ्लैट होगा, या तो एलएम वर्टिकल होगा, या तो एलएम हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, मैं इसको कैसे लर्न करना है इसका ट्रिक भी बताऊंगी, जिस ट्रिक से मैंने लर्न करा है। अब जो स्लोप एलएम की लिखी है उसको ऑपोजिट करके आईएस की स्लोप लिख दो। स्टीप का ऑपोजिट होता है फ्लैट, तो आईएस के सामने लिख दो फ्लैट। फ्लैट का ऑपोजिट होता है स्टीप, वर्टिकल का ऑपोजिट होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का ऑपोजिट होता है वर्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है तो फिर यहाँ पे होगी इनइफेक्टिव, देन यहाँ पे होगी हाईली इफेक्टिव, देन यहाँ पे होगी हाईली इनइफेक्टिव। ठीक है, सॉरी, इसका जो एरो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ये मैं आपको चीट चीट बता रही हूँ। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट आप फिस्कल पॉलिसी में लिख दो। यहाँ पे इफेक्टिव लिखा है तो यहाँ पे इनइफेक्टिव, यहाँ पे इनइफेक्टिव लिखा है तो यहाँ पे इफेक्टिव, यहाँ पे हाईली इफेक्टिव लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा हाईली इनइफेक्टिव, यहाँ पे हाईली इनइफेक्टिव लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा हाईली इफेक्टिव। ठीक है, ये ऐसा आपने एक टेबल बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन देखो क्या पूछा। अब इस टेबल के मदद से जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है, 95% आईएसएलएम के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर आईएस कर्व वर्टिकल हुआ तो क्या होता है। अब ये टेबल आपने बना ली, अब टेबल पे हम लोग देखते हैं कि आईएस कर्व वर्टिकल होता है तो क्या होगा। पहले तो देख लो आईएस, तो ये रहा मेरा आईएस कर्व। अब मुझे बोला गया है कि आईएस कर्व मेरा वर्टिकल है। ठीक है, अब मुझे बोला गया है कि आईएस कर्व वर्टिकल है तो मैं देख सकती हूँ मॉनेटरी पॉलिसी हाईली इनइफेक्टिव होती है और फिस्कल पॉलिसी हाईली इफेक्टिव होती है, तो इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी हाईली इनइफेक्टिव एंड फिस्कल पॉलिसी हाईली इफेक्टिव, यही लिखा है, एक बार चेक कर लेना जरूर। फिस्कल पॉलिसी हाईली इफेक्टिव, मॉनेटरी पॉलिसी हाईली इनइफेक्टिव। ठीक है, अब बस आपने सब कुछ लिख लिया। जब आईएस मेरा वर्टिकल है तो मेरे ये दो सिनेरियोस बनकर आते हैं। अब आप अपने एलिमिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिस्कल पॉलिसी इज कंप्लीटली इनइफेक्टिव, तो यहाँ पे तो लिखा है फिस्कल इज इफेक्टिव, तो ये गलत हो गया।
मॉनेटरी पॉलिसी इज मोस्ट इफेक्टिव, यहाँ पे लिखा है मॉनेटरी तो इनइफेक्टिव है तो ये भी गलत हो गया. फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटिवली लेस इफेक्टिव एंड देन मॉनेटरी पॉलिसी. अब लिखा है फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटिवली लेस इफेक्टिव, तो लेस इफेक्टिव तो होता ही नहीं क्योंकि फिस्कल पॉलिसी तो हाईली इफेक्टिव होता है यहाँ पर, है ना. तो फिस्कल पॉलिसी हाईली इफेक्टिव होगा, लेस इफेक्टिव होगा नहीं. देन लास्ट बचा है फिस्कल पॉलिसी इज मोस्ट इफेक्टिव, फिस्कल पॉलिसी इज मोस्ट इफेक्टिव, तो ये सही लग रहा है. तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है. तो ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. तो दिस इज अ चीट शीट, तो जो आपको अपने नोट्स के साथ हमेशा लिखनी है. अब इसको लर्न कैसे करा, मैंने बताऊं कैसे लर्न करा था. देखो हम सब अपने अपने तरीके बनाते हैं लर्न करने के. मैंने ऐसे लर्न करा था कि IS और LM है यूजुअली, तो L बाद में आता है, I पहले आएगा, तो इसलिए LM, बट जब मैं टेबल बनाऊंगी तो LM पहले लिखूंगी. कायदे से ABCDEFGHIJK में I पहले आता है, L बाद में आता है, बट टेबल बनाते टाइम मैं इसका उल्टा कर दूंगी. पहले मैं LM लिखूंगी फिर IS लिखूंगी. ऐसे ही मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में M बाद में आता है, F पहले आता है, तो जो चीज बाद में आ रही है मैं उसको पहले लिख दूंगी. तो मैं MP लिखूंगी और फिर FP लिखूंगी, ठीक है. तो ये M बाद में आता है बट मैं पहले लिखूंगी, ऐसे ही L बाद में आता है बट मैं पहले लिखूंगी. तो पहले तो मैंने इसका ऐसा लर्न किया था. फिर इसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है. देखो स्टीप और फ्लैट में, S और F में बाद में कौन सा आता है, S, तो S को मैं पहले लिखूंगी, स्टीप फ्लैट. ऐसे ही वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में V बाद में आता है, H पहले आता है, तो मैं V को पहले लिखूंगी. जो भी लेटर बाद में आए उसको मैं पहले लिख देती थी. और जैसे एक बार मैंने ये बनाया उसके बाद तो ये इसका ऑपोजिट ही है पूरा. फिर एक चीज बस मैंने लर्न, अरे 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 स्टाइलस मेरा, वन सेकेंड, ये मैं बस बता रही हूँ, आप अपने मन से लर्न कर सकते हो, ठीक है. हंसना मत मेरी ट्रिक्स पे कोई. लेट मी रब दिस. हाँ ठीक है, ऐसी एमपी और एफपी का मेरा हो गया. अब एक चीज बस मैंने लर्न कर ली थी कि सबसे पहले यहाँ पर आएगा इफेक्टिव. जैसे ही एक इफेक्टिव आया इसका ऑपोजिट यहाँ, दूसरा इनइफेक्टिव हो जाएगा ऑपोजिट यहाँ, फिर हाईली इफेक्टिव हाईली इनइफेक्टिव. तो बस एक दो चीज आपको लर्न करनी है. तो इस तरीके से मैंने ISLM का ये टेबल लर्न करा था और मैं हमेशा अपने एग्जाम में ये टेबल बनाकर आ जाती थी, ठीक है. एंड इससे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता था, राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट सैटिस्फाइड बाय फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर. फिशल का आइडियल इंडेक्स नंबर कौन सा टेस्ट सैटिस्फाई नहीं करता है. RPSC का क्वेश्चन है, 30 seconds दे दूं बस. सी, एग्जैक्टली, वेरी गुड. तो इसका आंसर है सी, सर्कुलर टेस्ट. जो फिशर है ये एक आइडियल इंडेक्स नंबर कहलाता है. आइडियल वो कहलाते हैं इसलिए क्योंकि वो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को फॉलो करता है. तो ऑप्शन वन फॉलो करता है, बी फॉलो करता है, और फोर्थ में तो दो नहीं लिखा है, बचा हमारा सर्कुलर, ठीक है. यहाँ पे मैंने आंसर देके रखा है कि फिशर का इंडेक्स नंबर दोनों को सेटिस्फाई करता है, सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता. नेक्स्ट, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ऑन कंजम्पशन हैज बीन डेवलप्ड बाय. अब भी 2 मिनट पहले ही हमने डिस्कस किया था. लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किसने दिया था, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस दिया था का. ऋषभ बोल रहे हैं 1 और चलो मैं बताती हूँ. तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा एंडो मोडिगलानी कि मैम लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस तो एंडो मोडिगलानी ने दिया था, बट यहाँ पर तो ये भी
दिया है और ये भी ऑप्शन दिया है, बट बोथ 1 एंड 3 कहीं पे दिया नहीं है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन कभी कभी जब फंस जाते हैं ना, तो हमको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है। अब क्योंकि आई कैन नॉट चूज दिस, आई कैन नॉट चूज दिस, तो थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या बचा है? ये तो मुझे पता है कि अकेला तो होगा ही नहीं, होगे तो ये सब साथ में होंगे, तो मेरे लिए सबसे सेफ ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। अब आप बोलोगे कि मैम ब्रमबर्ग का नाम तो हमने सुना ही नहीं है, तो इट्स ओके, कभी कभार कोई से हाइपोथेसिस में कोई इकोनॉमिस्ट छोटा सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन देता है ना, वो अपना नाम जोड़ देता है उसमें, ठीक है, बट उसका नाम हिडन रहता है क्योंकि उसने बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, उसने छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ता है। हाँ, अगर एक ही ऑप्शन में एंडो मोडिगलानी आता तो हम एंडो मोडिगलानी को क्लिक करते, बट क्योंकि यहाँ मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था चूज करने का, तो सबसे ज्यादा कॉमन सेंस यूज करके मैं ऑल कर दूंगी। अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैम मुझे पता ही नहीं है कि ब्रमबर्ग कौन है या इसने क्या बोला था इस लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में। ये क्वेश्चन मैंने आपको बस ये वाली ट्रिक समझाने के लिए दिया है कि डरना नहीं है और छोड़कर नहीं आना है, कॉमन सेंस यूज करके हमको क्वेश्चन सॉल्व कर आना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। चलो नेक्स्ट, द प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन, थर्टी सिक्स का His student is Bromberg. Okay, okay, Anjali. ठीक है, अब ये चीज आपको पता थी, आपने ही पढ़ ली होगी, बट दूसरों को अगर नहीं पता होगी तो मैं इसलिए बता रही थी वो ट्रिक के लिए, ठीक है। बी बोल रही है, ओके, ऑप्शन नंबर 36 का शिल्पी बी बोल रही है, ऋषभ भी बी बोल रहे हैं, ओके ओके, और कोई? चलो, तो इसका आंसर आप लोगों ने गलत दिया है, तो इसका आंसर बी नहीं है 36 का, एवरीबडी इज सेइंग बी, तो 36 का बी नहीं होगा, 36 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रोड्यूसर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब इसको हम लोग देखते हैं कॉमन सेंस से, ठीक है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस होता क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस वो चीज होती है, इट इज द इकोनॉमिक बेनिफिट, इट इज द इकोनॉमिक बेनिफिट अ प्रोड्यूसर रिसीव्स फ्रॉम सेलिंग अ गुड एक मिनट, इसको मैं दूसरे तरीके से लिखती हूँ। बिटवीन सेलिंग अ गुड और सर्विस एट मार्केट प्राइस दैट इज हायर देन द मिनिमम प्राइस दे वुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट। तो पहले तो आप ये डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है। हम लोग यूजली कंज्यूमर सरप्लस पे पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों ने प्रोड्यूसर सरप्लस पढ़ लिया है। तो आप लोग खुद सोचो कि प्रोड्यूसर सरप्लस मुझे कैसे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ प्रोड्यूसर,
मैंने अगर कोई साबुन बनाई और अगर मैंने वो साबुन 100 रुपीज में बचाई, ठीक है, अब मैंने जब उस सामान को बेचा तो ऑब्वियसली बात है मैं अगर कोशिश करूंगी कि मैं उस सामान को 100 से ज्यादा बेचूं, राइट। तो अगर मार्केट प्राइस इस सामान का हो रहा है 150, बट मैंने इस सामान को बेच दिया 200 में, तो मेरे पास एक सरप्लस आ गया 50 रुपीज का, ठीक है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? प्रोड्यूसर सरप्लस इज द इकोनॉमिक बेनिफिट या फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट जो एक प्रोड्यूसर को मिलता है जब वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचता है एक ऐसे प्राइस पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट में प्राइस है उससे ज्यादा हो। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट में प्राइस 150 चल रहा था, बट मैंने उस प्रोडक्ट को 200 में बेच दिया, तो ये जो 50 रुपए का डिफरेंस आया ये आया मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस में यहाँ पर आप लोगों ने बोला मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, तो मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी इज ऑलवेज अ कंज्यूमर सेंट्रिक कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी टू प्रोड्यूसर के केस में आएगा ही नहीं। प्रोड्यूसर को कोई यूटिलिटी से मतलब नहीं है, प्रोड्यूसर को इकोनॉमिक बेनिफिट से मतलब है, एक कंज्यूमर को यूटिलिटी से जरूरत होती है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन तो आप एलिमिनेट ही कर सकते हो। उसके बाद आप लोग देख सकते हो टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में जरूर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट इन दोनों को भी अभी हम साइड में रखते हैं। एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, अब एवरेज कॉस्ट से भी एक प्रोड्यूसर को कोई लेना देना नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो सकता है। अब प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट सबसे ज्यादा एप्ट क्यों है? क्योंकि प्राइस का मतलब तो यह है कि कितने प्राइस पे उसने वो चीज बनाई, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? कि वो एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए उसको एक्स्ट्रा कितना कॉस्ट लग रहा है बेचने के लिए, है ना। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट, कि अगर मैंने एक चीज 100 रुपए में बनाई और दूसरा प्रोडक्ट मैंने वही 50 रुपए में बनाया, तो जो मेरा मार्जिनल कॉस्ट होगा वो होगा 50 रुपए का, ठीक है। कि बस एक और एक्स्ट्रा चीज बेचने से मुझे 50 रुपए का और ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, और प्राइस जो मेरा ऑनगोइंग कॉस्ट है, तो एवरेज प्राइस जो हम लोग दिखते हैं, एवरेज एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू जो हम लिखते हैं अपने परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का केस तो है नहीं। तो प्रोड्यूसर सरप्लस की ये डेफिनेशन होती है, और प्रोड्यूसर सरप्लस में हमेशा हम प्राइस ऑफ द गुड तो कैलकुलेट करते ही हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आप कंफ्यूजन हो रही हो आपको कि ऑप्शन नंबर फोर्थ और ऑप्शन नंबर वन में कौन सा सही होगा, तो हमेशा याद रखना प्रोड्यूसर सरप्लस हमेशा प्राइस से रिलेटेड होता है। तो जिस भी ऑप्शन में हमको प्राइस दिख रहा है हम उस ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका एक ऐसे एनालिसिस डाला है इसमें एक्सप्लेनेशन कि प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है। इट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो ये प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला होता है कि द प्राइस एट विच द प्रोड्यूसर सेल्स वर्सेस द मिनिमम प्राइस विच इज ऑन गोइंग इन द मार्केट। तो दिस इज द प्रोड्यूसर सरप्लस, द प्राइस एट विच द प्रोड्यूसर इज प्रिपेयर टू सेल हिज प्रोडक्ट एंड द प्राइस सरप्लस ही रिसीव इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर सरप्लस। तो यहाँ पे इस केस में ये है इसका 150 एंड ये अपने वाले एग्जाम्पल में इसको 200 मान लेते हैं और दिस इज 150, तो ये मेरा 50 रुपए का हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। ओबी विल बी ऑन साइड ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। ओबी क्या होता है शिल्पी? ओबी ही लिखा है ना आपने? प्रोड्यूसर्स हमेशा अपने प्रॉफिट से मतलब लगता है, और प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? प्रॉफिट आप तभी निकालोगे जब आपको प्राइस पता हो किसी चीज का। तो प्रोड्यूसर सरप्लस के कॉन्सेप्ट में प्राइस तो जरूरी होता ही है। एक सेकेंड, वन सेकेंड गाइस। ऑप्टॉइन बी, ऑप्टॉइन
ऑप्टोइन बी क्या होता है शिल्पी? मैं आपका डाउट समझ नहीं पा रही। एंड में देखते हैं शिल्पी, ठीक है? तो हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन में प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू द डिफरेंस, ऑप्शन डी होगी। अच्छा समझ गई मैं, ऑप्शन ऑप्शन बोल रहे हो आप, ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंज्यूमर सरप्लस, अब यहाँ पे डाला है क्वेश्चन कंज्यूमर सरप्लस का, तो अब देखो कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट? ये तो इजी है, ए, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ सब ए बोल रहे हैं, तो इसका तो डेफिनेशन हमको याद ही है, कंज्यूमर सरप्लस है द प्राइस कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड द प्राइस ही एक्चुअली पेस। ऐसे ही प्रोड्यूसर सरप्लस होता है, द प्राइस अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू एक्सेप्ट वर्सेस व्हाट ही एक्चुअली एक्सेप्ट, क्या वो चाहता है और क्या उसको मिलता है। ऐसे ही कंज्यूमर क्या वो पे करना चाहता है और वो क्या एक्चुअली पे करता है। तो ये है डायग्राम कंज्यूमर सरप्लस का, तो यहाँ पे अपना कंज्यूमर सरप्लस बनता है। तो मैंने आप यहाँ पे एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऐड करके दिया है, तो आप इसको देख लेना। अगर आपको डायग्रामेटिकली प्रोड्यूसर सरप्लस ड्रॉ करना है तो मैं आपको बता देती हूँ, ये होता है हमारा डिमांड कर्व, ये होता है हमारा सप्लाई कर्व, एंड दिस इज आर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज आर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो ये जो ऊपर का भाग होता है ये होता है मेरा कंज्यूमर सरप्लस, ये जो नीचे का भाग होता है ये होता है मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कंज्यूमर इज डी इज इक्वल टू 10 - 2p, व्हाट विल बी द कंज्यूमर सरप्लस एट प्राइस पी? ये यूजीसी नेट पेपर जुलाई का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें हमको निकालने बोला है कंज्यूमर सरप्लस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस वैरायटी के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही हैं, जहां पर आपको प्रोड्यूसर सरप्लस या फिर कंज्यूमर सरप्लस ढूंढना पड़ता है। और प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस दोनों को ढूंढने के लिए आपको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। ये वाले क्वेश्चंस इंटीग्रेशन की मदद से ही सॉल्व होते हैं, इंटीग्रेशन के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो मैं 1 मिनट का समय दे रही हूँ, 1 मिनट के समय में आप लोग सॉल्व करके देखो। ये वाले टाइप के क्वेश्चन जरूर करके जाना, क्योंकि इजी रहते हैं, स्कोरिंग रहते हैं बहुत, ठीक है।
ठीक है अंजलि, मैं समझाती हूँ। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा आप लोगों ने? देखो चलो, जिसको नहीं आता उसको मैं समझाती हूँ, अदरवाइज ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको वीडियो में सिमरन नाम ने समझाया होगा। उप्स, ये क्या हो गया, एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ ये डायग्राम है। अच्छा आपको डायग्राम समझना है। देखो ये डायग्राम में कुछ भी नहीं है, डायग्राम को समझने की ट्रिक ये होती है कि ये हमारा एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने लिया है क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे लेते हैं हम लोग यूजुअली प्राइस, ठीक है। अब ये होता है हमारा डिमांड कर्व, ये होता है हमारा सप्लाई कर्व, ठीक है। इक्विलिब्रियम जब हम स्टैब्लिश करते हैं तो इक्विलिब्रियम हमें ई पे स्टैब्लिश होता है, जहाँ पे हमारा सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। वो हमको एक इक्विलिब्रियम प्राइस देता है और वो हमको एक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देता है कि भैया मैं ओ क्यू क्वांटिटी ऑफ गुड, सपोज यहाँ पे गुड एक्स है तो ओ क्यू क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स लेना चाहूंगी एट ओ पी क्वांटिटी ऑफ प्राइस। अब इसमें प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जहां भी हमारा डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व से नीचे प्राइस तक का रीजन हमारा कंज्यूमर सरप्लस होता है। अब इसको कैसे समझेंगे? क्योंकि डिमांड इज अ कंज्यूमर सेंट्रिक कॉन्सेप्ट, तो डिमांड से टच होके हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस तक का जो रीजन होता है वो होता है हमारा कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा प्राइस कर्व से नीचे सप्लाई कर्व तक का रीजन होता है रेड कलर में, ये होता है हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। तो जहां पे हमारे सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं, जहां पे हमारा सप्लाई कर्व टच कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है, जहां हमारा डिमांड कर्व टच कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस है। तो ये डायग्राम यूजुअली हम लोग जब कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर पर देखते हैं उसमें होता है। तो यहाँ पे देखो डिमांड कर्व से नीचे प्राइस तक का रीजन ये पूरा कहलाएगा कंज्यूमर सरप्लस। अब यहाँ तो सिर्फ डिमांड कर्व बना है इसलिए हम सिर्फ कंज्यूमर दिखा पा रहे हैं, बस हमारे बनाए हुए डायग्राम में हम लोगों ने डिमांड भी बनाया सप्लाई भी बनाया है। तो अगर मैं इस डायग्राम को सिर्फ सप्लाई के पर्सपेक्टिव से बनाऊं तो सप्लाई के पर्सपेक्टिव से ये जो रीजन होगा ये होगा हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर का रीजन डिमांड और ऊपर का रीजन कंज्यूमर सरप्लस, इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे का रीजन प्रोड्यूसर सरप्लस, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बस डायग्रामेटिकली बता दिया आपको कि कभी आपको आ जाए कि इस डायग्राम में सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा आ गया और आपको ये वाला रीजन शेड करके दे दिया, आपको बोला कि बताओ शेडेड रीजन क्या दर्शाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शेडेड रीजन हमेशा कंज्यूमर सरप्लस दर्शाता है क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर कंज्यूमर सरप्लस, इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। ठीक है चल, अब थ्री आंसर आ रहा है मेरे पास, थ्री देखते हैं क्या है। नाइन एब्सोल्युटली करेक्ट, जिन भी बच्चों से हो गया है वेरी गुड, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। यहाँ पे मैंने सॉल्व भी करा है बट मैं साइड में वापस सॉल्व कर देती हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे हमको बोला है कि डिमांड फंक्शन हमेशा कंज्यूमर सरप्लस या प्रोड्यूसर सरप्लस के क्वेश्चन में एक डिमांड फंक्शन दिया रहेगा या फिर सप्लाई फंक्शन दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक चीज दी रहेगी, ठीक है। उसके बाद प्राइस दिया रहेगा या फिर क्वांटिटी दी रहेगी, आपको एनालाइज करना है आपके क्वेश्चन में क्या चीजें गिवन है और पूछा क्या है। तो यहाँ पे इसने हमसे बोला है कंज्यूमर सरप्लस ढूंढो, तो पहले तो अपना डिमांड फंक्शन लिख लेता है। तो डिमांड फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 2 पी, ठीक है। अब हमेशा हम लोग इसको प्राइस के पर्सपेक्टिव में लिखते हैं, मतलब हम लोग प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2p इज इक्वल टू 10 माइनस x, p इज इक्वल टू 5 माइनस x/2, ठीक है। इनवर्स डिमांड फंक्शन में हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, ये आप लोग देखोगे तो ये है डिमांड फंक्शन। बट कभी भी क्वेश्चन सॉल्व हम हमेशा इनवर्स डिमांड फंक्शन के रूप में करते हैं, ये चीज याद रखना। कभी भी हम लोग डिमांड फंक्शन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, हम लोग इनवर्स डिमांड फंक्शन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमने ये देख के रख लिया, अब इसके बाद हमें क्या दिया है, प्राइस दिया है 2, ये चीजें मुझे गिवन है,
अब मुझे ढूंढना है कंज्यूमर सरप्लस। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता, स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन के बिना ये क्वेश्चंस नहीं हो सकते, तो आपको इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद कंज्यूमर सरप्लस का जो फॉर्मूला होता है, कंज्यूमर सरप्लस का होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स माइनस प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वान्टिटी ऑफ एक्स, और प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो इंटीग्रेशन ऑफ होल रहता है, ठीक है। और प्रोड्यूसर सरप्लस का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला कैसे पता चला मैम, ये फॉर्मूला याद करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस का मैं लिख देती हूँ, प्रोड्यूसर सरप्लस का जो फॉर्मूला होता है वो पी एक्स होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब हमको यहाँ कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला यूज करना है, तो कंज्यूमर सरप्लस विल बी इक्वल टू लिमिट्स, एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स हमारा ये कहलाता है, ठीक है। तो 5 माइनस एक्स बाय 2 को हम पहले इंटीग्रेट करेंगे, माइनस प्राइस कितना दिया है 2, अब हमें निकालना है x। अब यहाँ पे मुझे प्राइस दिया है, मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, तो प्राइस की वैल्यू दी है 2 इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड इसको थोड़ा नीचली कर देती हूँ मैं ताकि समझ आ जाए आपको, वैसे तो यहाँ पे मैंने अटैच करके रखा है। अरे पॉइंटर का है, यहाँ पर मुझे प्राइस की वैल्यू दी हुई है, तो मैं क्वांटिटी की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 2, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, x इज इक्वल टू 6, मुझे प्राइस की वैल्यू दी थी, मैंने उसको अपने डिमांड फंक्शन में डाला और क्वांटिटी की वैल्यू निकाल ली, मैंने और कुछ हार्ड कोड नहीं करा। तो यहाँ पे हो गया प्राइस की वैल्यू दिस और एक्स की वैल्यू आ गई 6। अब हमने इंटीग्रेट करना चालू करा, तो एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है 5x, तो 5 का इंटीग्रेशन होगा 5x, तो ये हो गया मेरा 5x, माइनस x का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, ऑलरेडी एक 2 यहाँ पर था, माइनस 12। तो अब ये देखो सॉल्व करके क्या हुआ, ये हो गया 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस 12। अब हम लोग पुट कर देंगे x की वैल्यू, पुट x, तो x क्या हो गया, x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी निकली हुई आई है विच इज 6, तो 5 इंटू 6 इज 30 माइनस 6 इंटू 6 इज 36 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 12। अब इसको काट दो, ये 9 जा, तो 30 माइनस 9 माइनस 12 मतलब 30 माइनस 21 विच गिव्स यू 9, 9 हमारा आंसर है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेज नहीं आते, इंटीग्रेशन पहले सीखना और फिर ही एक क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। द लोकस ऑफ पेरेटो ऑप्टिमैलिटी इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इज गिवन बाय, पेरेटो ऑप्टिमल पॉइंट्स के लोकस को क्या बोलते हैं, काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है। टू, वेरी गुड, absolutely correct, the locus of Pareto optimal points is called the utility possibility curve. Social welfare function क्या होता है, summation of individual utilities. जब हम individual utilities को sum कर देते हैं तो हमें निकल कर आता है social welfare function. Social welfare function दिया किसने थिया, Bergson and Samuelson, ठीक है, ये भी अपने notes में लिख जाया करो जब नहीं आता तो। सोशल वेलफेयर फंक्शन वाज गिवन बाय बर्गसन एंड सैमसन, एंड सोशल वेलफेयर फंक्शन क्या होता है, इट इज अ समेशन ऑफ इंडिविजुअल यूनिटीज, कि अगर एक सोसाइटी में 10 लोग रहते हैं तो 10 लोगों की इंडिविजुअल यूटिलिटी अगर आप ऐड करोगे, उसका सम कर दोगे, तो हमें मिल जाएगा सोशल वेलफेयर फंक्शन। तो पेरेटो ऑप्टिमल पॉइंट्स का जो लोकस होगा, कि अलग अलग पेरेटो ऑप्टिमल पॉइंट्स हैं और इसको हम लोग अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। और ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है,
अलग अलग यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व को ऐड करोगे तो ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बन जाता है, ठीक है। तो सीक्वेंस कैसा रहा, पैरेटो के पॉइंट्स को ऐड करोगे तो बन जाएगा यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व को ऐड करोगे तो बन जाएगा ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। दिस इज अ सीक्वेंस। चलो यहाँ पे मैंने इसका डेफिनेशन डाल दिया है। नेक्स्ट 5 मिनट्स मोर, बहुत इजी क्वेश्चन है, यूपी के टीजीटी में आया था इन 2021। लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन, लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है, बोथ होता है कि नन होता है? बताओ बताओ एवरीबडी। टू क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, अंजलि कह रही है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, नहीं ये शायद पहले वाले का आंसर है। थ्री बोथ, ठीक है, और कौन? ए, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए, ऑप्शन नंबर ए, बोथ नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट देखो हम सिंपल क्वेश्चन भी कभी कभार गलत कर देते हैं। लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है। इसका रीजन देखो मैंने यहाँ पे डाला है। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। ये हमें एक डायरेक्शन बताता है रिलेशनशिप का बिटवीन टू वेरिएबल्स, की क्वांटिटी डिमांडेड अगर बढ़ेगी तो मेरा प्राइस घटेगा, अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा सॉरी घटेगा तो मेरा प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा कि कितने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी तो कितने से प्राइस घटेगा, ये वही चीज हो गई व्हाट इज बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है, रिग्रेशन हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताता आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है दिस रिलेशन इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन डेफिनेट फॉर्म, दैट इज ये रिलेशन प्रोपोर्शनल भी हो सकता है और नॉन प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, कि 5% से क्वांटिटी डिमांड बढ़े तो 5% से प्राइस घटे, प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, बट 10% से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़े तो 5% से ही प्राइस घटे, नॉन प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। तो मुझे सिर्फ ये बता रहा है कि रिलेशनशिप इनवर्स है, मुझे ये नहीं बता रहा कि कितना मैग्नीट्यूड है। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड हमेशा क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू नहीं है? चल देखो, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट डज नॉट इंडिकेट गुड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हमको एक अच्छी कंडीशन नहीं बताता है, तो ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो आप लोग बताओ पहले। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिखा है डज नॉट, इसके कारण ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट डज नॉट इंडिकेट गुड इकोनॉमिक ग्रोथ, बट ऐसा नहीं है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिकेट्स गुड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, नॉट गलत है, तो ये स्टेटमेंट हो गया नॉट ट्रू। चलो अब नेक्स्ट, अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन कोएग्जिस्ट विद अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस, क्या एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल के साथ कोएग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, या तो फेवरेबल होगा या तो अनफेवरेबल होगा, तो दो स्टेटमेंट्स गलत हो गए। आंसर तो हमें वैसे ही मिल गया है, क्योंकि हमें दो ऑप्शंस गलत मिल गए, तो हम एलिमिनेशन से डायरेक्ट ऑल ऑफ द अबव कर सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी अगर हमें देखना है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग यही
ही ट्रिक यूज करा करो, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी यूज टू असेस द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ अ कंट्री। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ अ कंट्री को असेस करने के लिए? तो इसका भी रीजन है नहीं, हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हर बार चेंज होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी भी किसी भी कंट्री का सरप्लस में नहीं रहता, बहुत ही कम चांसेस है, वो हमेशा ही डेफिसिट में रहता है ना। तो हमेशा ही डेफिसिट में रहेगा मतलब तुम तो बोलोगे कि हमारी इकोनॉमी हमेशा ही गंदी कंडीशन में रहती है, ऐसा नहीं होता। डेफिसिट में होने के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा करती है, तो इट कैन नॉट बी यूज, इट इज नॉट अ वेरी नाइस मेजर टू एक्सेस द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक आउटलुक। हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखकर हमारी इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक आउटलुक जज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डी ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, मुझे एक और चीज आपको बतानी थी। इस वाले क्वेश्चन को ना चैलेंज करा था, तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर्स डिलीट हो गए थे, मतलब आंसर क्वेश्चन डिलीट कर दिया था कि थोड़ा चैलेंजेबल क्वेश्चन है। अब इस पे चैलेंज कहाँ करा था बच्चों ने? फर्स्ट पॉइंट पे करा था। ठीक है, तो कुछ बच्चों का ऐसा था, अब क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है तो मैंने कहीं पर ऐसा कुछ देखा था कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें भी लोगों ने बोला था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा, बैलेंस ऑफ पेमेंट डज नॉट ऑलवेज इंडिकेट गुड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री, इसको उन लोगों ने ट्रू अज्यूम किया था। ठीक है, कायदे से देखा जाए तो ये ट्रू हो भी सकता है, क्योंकि हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर किसी कंट्री का फेवरेबल है तो हम ये नहीं बोल सकते कि उस कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी हो। ठीक है, मतलब अगर तुम्हारी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है मतलब तुम्हारी कंट्री में पॉवर्टी नहीं है, क्या ये दर्शाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं दर्शाता। तो इसके कारण, फर्स्ट ऑप्शन के कारण थोड़ा सा ये क्वेश्चन चैलेंजेबल था, बट ऑफिशियल आंसर की मैं आंसर ऑल ऑफ द अबव दिया था। तो अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है इन केस यू नो, तो हम ऑल ऑफ द अबव कर कर आएंगे। ठीक है, चलो, क्योंकि ऐसे बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे चैलेंजेबल। चलो अब जल्दी जल्दी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज फॉर द वैल्यूएशन ऑफ नॉन मार्केटेड एनवायरमेंटल गुड्स? तो नॉन मार्केटेड एनवायरमेंटल गुड्स के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? ये मैंने आपको अभी रिसेंटली पढ़ाया है, कंटिंजेंसी वैल्यूएशन मेथड। जनरल इक्विलिब्रियम मार्केट गुड्स के लिए होता है, इनपुट आउटपुट मार्केट के लिए होता है, कॉस्ट बेनिफिट मार्केट के लिए होता है। तो कंटिंजेंसी, हेडोनिक, ये सब हम लोग नॉन मार्केटेड एनवायरमेंटल गुड्स के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एम्स टू, जो ये भी मैंने आपको अभी रिसेंटली पढ़ाया है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में क्या चीज की तरफ एम करता है? तो ऑप्शन है सी, इट कंपेयर्स द टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट्स एंड टोटल एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट और अ पॉलिसी। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के लिए हमको उस कंपनी के टोटल बेनिफिट्स और उस कंपनी के टोटल कॉस्ट निकालने पड़ेंगे, फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो ये आंसर है, क्या आप बोलोगे कि मैम ये भी हो सकता है? डेफिनेटली ये हो सकता है, बट पहली स्टेप तो ये होगी ना, पहली स्टेप तो होगी कि हम उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद अगर हमारे बेनिफिट ज्यादा है हमारे कॉस्ट से, तभी हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा। जरूरी नहीं है प्रॉफिट हो हमेशा, कॉस्ट ज्यादा आ गया बेनिफिट से तो कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। ठीक है, तो पहला इसका आंसर ये होगा कि कंपेयरिंग द टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट और बेनिफिट तो निकालो, तभी जाकर तुम प्रॉफिट असेस करोगे। बाकी ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, एनवायरमेंटल इंपैक्ट के लिए नहीं करते हम लोग कॉस्ट बेनिफिट। देन नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कोर्स थ्योरम एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अचीव्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस? ये भी मैंने पढ़ाया, कोर्स थ्योरम के हिसाब से एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कब अचीव हो सकता है? काफी इजी क्वेश्चन है। कोर्स थ्योरम सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करता था, प्रॉपर्टी राइट्स की। भैया प्रॉपर्टी राइट्स को क्लियरली डिफाइन करो तो तुम्हारा जो नेगोशिएशन है वो बहुत इजीली हो जाएगा बिना किसी लड़ाई के। तो मैंने बहुत बार बताया है, तो कोर्स थ्योरम हमेशा जब भी आए ध्यान रखना प्रॉपर्टी राइट्स इज द मोस्ट एप्ट आंसर। तो कोर्स थ्योरम ऑलवेज इंडिकेट्स दैट प्रॉपर्टी राइट्स शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड देयर शुड बी नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ सीबीए?
कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस का एक लिमिटेशन क्या होता है, तो एक एक ऑप्शन करके देखते हैं. इट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ मार्केट एंड नॉन मार्केट वैल्यू, ठीक है. इट ऑलवेज प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल वैल्यूज, ठीक है. इट मे अंडर वैल्यू नॉन मार्केट गुड्स लाइक बायोडाइवर्सिटी, ओके. इट डज नॉट रिक्वायर डिस्काउंटिंग फ्यूचर बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स, ठीक है. तो हमने पहले सारे ऑप्शंस पढ़ लिए. अब सीबीए का लिमिटेशन क्या होगा? ये वाला स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट ही गलत है. इट डज नॉट रिक्वायर डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग सीबीए में रिक्वायर होती है, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया, तो लिमिटेशन तो हो ही नहीं सकता. इट ऑलवेज प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स, ये मुझे लग रहा है कि एक लिमिटेशन हो सकती है मैम. और इट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ मार्केट एंड नॉन मार्केट वैल्यूज, ये तो उसका फीचर है, ये उसकी लिमिटेशन नहीं हुई. तो ऑप्शन नंबर वन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फोर नहीं होगा. अब मैं टू और थ्री में कंफ्यूज हूँ, ठीक है. अब टू और थ्री दोनों ही लिमिटेशन है, बट जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है. कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स का जो मार्केट वैल्यू है वो नहीं निकाल पाती. मैं अपने एनवायरमेंटल गुड्स का मार्केट वैल्यू नहीं निकाल पाती. मार्केट गुड्स का तो निकाल सकती हूँ, बट जो नॉन मार्केटेड गुड्स हैं इनका एनवायरमेंटल वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल आता है. अगर वैल्यू ही तुम गलत निकालोगे तो तुम कॉस्ट एंड बेनिफिट कैसे एक्यूरेट निकालोगे. तो ये ज्यादा एक्यूरेट ऑप्शन है, विच इज ऑप्शन नंबर सी. तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें दो ऑप्शन सही लगता है, वो दोनों ऑप्शन सही होते भी हैं, बट हमको चूज करना पड़ता है कि इन दोनों में से ज्यादा सही कौन सा है, ठीक है. तो ये तो हो गए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विलिंगनेस टू पे अप्रोच इन एनवायरमेंटल वैल्यूएशन. विलिंगनेस टू पे अप्रोच किस चीज का एग्जाम्पल है? विलिंगनेस टू पे मतलब तुम कितना विल करोगे उस चीज को पे करने के लिए. याद करो मैंने एक इसमें आपको चीज पढ़ाई है. कंटिंजेंसी वैल्यूएशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक सर्वे बनाते हैं, उसमें सबको पूछते हैं कि अगर हम लोग इस चीज को यहाँ से हटा दे तो हम इसके लिए कितना प्राइस पे करोगे एंड ऑल ऑफ दैट. तो विलिंगनेस टू पे अप्रोच हम सर्वे बनाकर देखते हैं. तो ऑप्शन आ गया बी, ठीक है. मार्केट प्राइस ऑफ टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, ये हमारा विलिंगनेस टू पे नहीं बता सकता क्योंकि लोगों के लिए टिम्बर इतना ज्यादा जरूरी नहीं है हर इंसान के लिए. एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन अबेटमेंट टेक्नोलॉजी, ये भी ऑप्शन नहीं होगा. एस्टिमेटिंग द कॉस्ट मतलब तुम पॉल्यूशन के लिए कितना विलिंगनेस टू पे कर सकते हो, ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है. कैलकुलेटिंग द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ डैमेज्ड इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम है वो डैमेज हो गया है, बट उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होगा, ये भी ऑप्शन सही है बट करेक्ट नहीं है. विलिंगनेस टू पे अप्रोच कंटिंजेंसी वैल्यूएशन मेथड में आता है. कंटिंजेंसी वैल्यूएशन मेथड हम लोग हमेशा एक सर्वे की मदद से करते हैं. तो जहां भी आपको विलिंगनेस टू पे दिख जाए आप कंटिंजेंसी वैल्यूएशन मेथड ध्यान करना. और कंटिंजेंसी वैल्यूएशन मेथड मतलब सर्वे बनाकर लोगों से पूछना कि वो किसी एनवायरमेंटल डैमेज के लिए कितना पैसा पे कर सकते हैं उस डैमेज को बचाने के लिए, ठीक है. ये अलग मेथड है रिप्लेसमेंट कॉस्ट वाला, ठीक है. ये भी एक मेथड कहलाता है बट ये अलग है. तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है थोड़ी. एग्जैक्टली. चल लास्ट क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ डिमांड. हमने ये पढ़ा है एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला. इसमें से जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है वो होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है. यहाँ पे मैंने आप लोग को इसका ब्रीफिंग डाल दिया. नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है. स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला पूछा है. बहुत बार हमसे फॉर्मूलाज पूछ लेते हैं और हम फॉर्मूलाज नहीं बता पाते, ठीक है. तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होगा जल्दी. 10 सेकेंड्स. ए सुरक्षा, ए बोल रही है इसका. अच्छा पिछले वाले का बोल रही होगी. चलो इसका बताओ मुझे क्या होगा. तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर टू, ठीक है. हमें बस फॉर्मूला सही करना था. हमें फॉर्मूला याद है तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है,
तो ये देखे सीखे ही हो जाएगा। तो इन दो क्वेश्चंस में गड़बड़ मत करना, यहाँ पर वन के नीचे भी पूरा डिवाइड है बट यहाँ पे वन सेपरेट है, हमेशा वन सेपरेट होता है, ठीक है। मुंडल फ्लेमिंग मॉडल हैज बीन यूज्ड टू आर्ग्यू दैट, मुंडल फ्लेमिंग मॉडल क्या चीज को यूज करता है आर्ग्यू करने के लिए? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का आंसर है, क्वेश्चन है। ए एग्जैक्टली, मुंडल फ्लेमिंग हमेशा हमें ये बताता है कि इकोनॉमी कैन नॉट साइमल्टेनियसली वर्क विथ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्री कैपिटल मूवमेंट एंड इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज राइट, द मुंडल फ्लेमिंग मॉडल हैज बीन यूज्ड टू आर्ग्यू, ये तीनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, ये मुंडल फ्लेमिंग बोलता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसके पूरे एक्सप्लेनेशन डाला है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, डैश इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट इनकम इज डिटरमाइंड बाय इन्वेस्टमेंट थ्रू मल्टीप्लायर, कौन सा मॉडल बेस्ड है ऑन द अजम्पशन दैट इनकम इज डिटरमाइंड बाय इन्वेस्टमेंट थ्रू मल्टीप्लायर? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल हैरिट डॉमर ने बताया था, तो पहले तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, हिग्स हैंसन और कैल्डर को एलिमिनेट कर दो। अब बचा हैरिट और डोमर, हैरिट ने यूजुअली ग्रोथ रेट से बात करी थी और डोमर ने यूजुअली इन्वेस्टमेंट्स पे बात करी थी, तो अगर हम एलिमिनेट करके देखें तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है, 1 सेकेंड, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 विच इज द डोमर मॉडल। डोमर मॉडल इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट इनकम इज डिटरमाइंड बाय इन्वेस्टमेंट थ्रू मल्टीप्लायर, ठीक है। इनकम इज डिटरमाइंड बाय इन्वेस्टमेंट थ्रू मल्टीप्लायर, मतलब अगर तुम इन्वेस्टमेंट करोगे तो उससे तुम्हारी इनकम बढ़ेगी बिकॉज ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट्स, ये डोमर ने बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है, आई थिंक डोमर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली डोमर, ओके। तो आई थिंक बहुत लंबी क्लास हो गई है, सो वील एंड आर क्लास नाउ एंड आई विल अपलोड दिस PDF एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज वील एंड द क्लास, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन इतनी देर तक बैठने के लिए, ओके, थैंक यू।